मैं चेक कर रहा हूँ सर। आज का डेट है 12, तो 10 दिन, 10 दिन हो तो अभी भी क्या मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है या फिर कोई दूसरा चैप्टर क्लासेस मोल में? कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया लोगों ने। उसके अंदर है ना सिर्फ थोड़ा सा एक एंड एंड का पार्ट बाकी है, वरना जो मेन पार्ट्स है उसके अंदर वो सब खत्म हो गया है। अभी है ना एक नया चैप्टर चालू करेंगे, एंड क्या बोलते हैं फिजिक्स के अंदर भी एक नया चैप्टर चालू करेंगे। मतलब फाइनली मोल खत्म होगा। हाँ ओके ओके चलो। अरे हाँ, श्रेया का कितना मार्क्स आया सिद्धार्थ? सर उसका है ना 271 है क्वालिफाई हुई? वो। हाँ वो तो है, वो तो हो गया। अच्छा, तो मॉम डैड वही ना, मतलब इसका ही देख रहे हैं ना? ये प्राइवेट डीम्ड कोई इंस्टीट्यूट? वो क्या बोलते हैं सर, यही इस पे ही यही सोचा था। क्या नाम क्या था इसका, भूल गया। डीवाई पाटिल, नहीं, हाँ DY पाटिल। डीसी पांडे, डीवाई पाटिल। हाँ सर, जब भी है ना मैं DY पाटिल सोचता मेरे दिमाग में DC पांडे ही आता है। मतलब फिक्स है ना इस बार करने वाला? ऐसा रिपीट रिपीट का कुछ नहीं सोचा है? नहीं, लेकिन है ना पापा और मम्मा ने ऐसा बोल के रखा कि है ना अभी अभी है ना तेरे को पढ़ना ही पड़ेगा। अभी है ना इसके आगे है ना हम तेरे को कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते, कितना अच्छा भी कर अच्छा लेना कुछ नहीं कर सकता मैं सब। ओके। पता है हाईएस्ट आ गया 720, पता है, हाँ बोला था ना सर, हाँ मेरे को लगा नहीं था कि आएगा, लेकिन 720 आ गया। एलन का ही लड़का हाँ पता है। है। चलो शुरू करते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे कौन सा? कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। हाँ सर, तो बताओ ये किसमें डिफर करते हैं, अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन वेरी गुड। थ्री डायमेंशन में इनका ओरिएंटेशन अलग 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 है। होता है। यस तो मैंने तुमको सिखाया था स्टीरियो आइसोमर्स, राइट? तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या है? मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, हाँ स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर्मूला भी सेम है, सर, बट मॉलिक्यूलर वेट, हाँ वो भी रहेगा, हाँ बट डिफर इन अरेंजमेंट स्लैश ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन। तो जो अरेंजमेंट में अलग होते हैं हाँ उसमें, तो अपन तुमको पता है ना, ये ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशन, यस और इसमें दो हो जाते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और और एक होता है दूसरा ऑप्टिकल। हाँ ओ आई। एक हो हाँ जाएगा जी आई और दूसरा हो जाएगा ओ आई ओ आई, ठीक है? और सर, जो ओ आई हमने ओरिएंटेशन, किया नहीं है ना अभी तक। नहीं, अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। और ठीक अगर ओरिएंटेशन का देखेंगे ना, तो इसमें अपने को आ जाता है कौन सा, कॉन्फॉर्मेशनल आ जाएगा। ठीक है, यही तो अपने को बेसिकली ये वाला पार्ट ही पढ़ना है, कौन हाँ, सा, कॉन्फॉर्म ओरिएंटेशन वाला। ओरिएंटेशन। तो हाँ मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे समझ में आएगा तुमको। ये देखो, ये ऐसे है, ये ऐसे है, हाँ या फिर इसको चाहो ना तो तुम अलग तरीके से बना सकते हो। इसको ऐसे ले लो, इसको ऐसे ले लो, नहीं सर, मेरे को समझ गया इसको था पहले। याद रखना, ये फ्रंट कार्बन है हाँ अपने तरफ, और ये बैक कार्बन है, हाँ और दोनों सिंगल बॉन्ड से अटैच है, हाँ ठीक है? अब मैंने क्या किया, ऐसा ही एक दूसरा स्ट्रक्चर भी बनाया। देखो इधर,
वापस ऐसा ही कुछ। यहाँ पे ग्रुप लिख देता हूँ, ये एच है, ये सी एच थ्री है, ये बी आर है, ये सी एच थ्री है, ये एच है और ये ओ एच है, समझा। फिर असल यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, ऐसे ऐसे, एक सेकेंड, ये ऐसे। तो यहाँ पे एच है, ये सी एच थ्री है, ये ओ एच है, और यहाँ पे सब कुछ सेम वैसे का वैसा। ठीक है। सेंटर को जो कलर था ना वही कलर से, मतलब अभी भी वही कार्बन है हाँ और ये भी वही कार्बन है, हाँ ऐसा। ठीक है। यस एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जरा देखना ध्यान से। यहाँ पे है H, यहाँ पे है Br और यहाँ पे है CH3। अब यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है OH और यहाँ पे है H। ये मैंने पहले भी तुमको कराया होगा। हाँ सर, वो हाँ रोटेट करेंगे तो कौन सा पॉसिबल है एंड कौन सा नहीं पॉसिबल है। राइट। इसको जब ऐसे 180 डिग्री से रोटेट करोगे, ये वाले हाँ कार्बन, हाँ फर्स्ट एंड सेकंड पॉसिबल है, लेकिन उस वो सबसे राइट वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर है ना हम हाँ दिस दोनों इज का मस्ट। पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, हाँ एक तो को ये लेफ्ट वन में है, डालना टू है पड़ेगा, और ये दूसरे को थ्री राइट। है। हाँ तो वन एंड टू को अपन क्या बोलेंगे, कॉन्फॉर्मेशनलाइजोम। हाँ सो मच, ठीक है। एंड वन एंड टू, वन एंड थ्री आर कॉल्ड एज कॉन्फिगरेशनल। जी तो ये कॉन्फिगरेशनल का अपना एक पार्ट हो गया है, जी आई हाँ वाला। हाँ तो अभी अपन कॉन्फॉर्मेशनल कर लेते हैं, ठीक है। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। पता है ना, इधर इसको घुमाओगे तो देखो H इधर आ हाँ जाएगा, समझा सी एच सर, थ्री नीचे, ओ एच इधर आ जाएगा, लेकिन हाँ इधर समझा, कितना भी, इस पे कितना भी घुमा के मिलने वाला नहीं है हाँ पहला एंटी वाला, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें एच एंड मतलब। ओ एच का जगह ही चेंज हो गया। हाँ मतलब इसमें अरेंजमेंट का फर्क है। हाँ ओके अब जो नेक्स्ट है, तुमको कुछ आवाज आ रहा है? वैक्यूम क्लीनर का आ रहा है। इधर देखो, द कंटिन्यूअस रोटेशन हैपेंस, द कंटिन्यूअस रोटेशन हैपेंस अबाउट अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। हाँ और जो अभी बताया था ना वही, हाँ टू रिलीज दी स्टैटिक स्टेट। सर मेरे को एक क्वेश्चन है, पहले वाले पे हाँ जाओ। हाँ एक सेकेंड, जाता हूँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट कर लेता हूँ, मतलब कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ देखो, द कंटिन्यूअस रोटेशन हैपेंस अबाउट अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड टू रिलीज द स्टैटिक स्ट्रेन। तो अभी तुमको बताता हूँ स्टैटिक स्ट्रेन क्या होता है, पर उसके पहले ठीक है, तुम्हारा डाउट देख लेता हूँ। हाँ तो सर अभी इसके अंदर जो फर्स्ट एंड सेकंड है सर, उसके अंदर वो रोटेट कर रहे हैं, लेकिन सर इसके अंदर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते ना कौन सा रोटेट करेगा, आगे वाला या फिर पीछे वाला, क्योंकि सर अगर हाँ पीछे हाँ वाले हाँ को रोटेट करेंगे तो उसका चेंज हो जाएगा, उसके आगे वाले को राइट रोटेट राइट। करेंगे तो पीछे के हिसाब तो से ऐसा होएगा। हाँ, तो हम किसी एक का रोटेशन फिक्स रखते हैं और दूसरे का रोटेट करते हैं, तो पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। ओके मतलब मैं तुमको बताऊं, बाकी के जो आइसोमर है ना, जैसे कि ज्योमेट्रिकल, हाँ सिस और ट्रांस, अगर उनका मिक्सचर है ना तुम्हारे पास सैंपल में, तो हाँ उनको तुम अलग कर सकते हो, क्योंकि उनका है ना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, ओके हाँ ठीक है। सर लेकिन ये जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर होते हैं ना बेटा, इनको सेपरेट नहीं कर सकते अपन, ओके हाँ, समझ क्योंकि में सर आया? सेम ही चीज है, वो बस वो घूम सेम ही चीज है, रहा है। बस कार्बन कार्बन का बॉन्ड घूम रहा है, और हाँ कार्बन कार्बन के बॉन्ड को घूमने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है। ओके समझा समझा। ओके अच्छा क्वेश्चन पूछा सर तुमने। लेकिन ये घूमने से होएगा क्या? रिपल्शन कम हो जाता है, जैसे ये देखो, अगर मान लो ये दोनों बड़े बड़े ग्रुप हैं, हाँ ठीक है, और इसका ऐसे है, तो ये घूम के ऐसा आ जाएगा,
ये बड़ा ग्रुप ऊपर, नीचे ग्रुप ऊपर, ऐसे छोटे, हाँ, ऐसे छोटे छोटे आ सर, गए, तो तो समझ में आया? सर उसको घूमना नहीं चाहिए ना, उसको बस उधर रुक जाना चाहिए ना। नहीं, ये ऐसे घूम जाता है ना, तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला ग्रुप नीचे आ जाता हाँ तो सर बाद में वो नीचे आने के बाद रुक जाना चाहिए ना। है। हाँ लेकिन कैसा होता है, मैंने बताया ना कि इन दोनों के बीच में नो डाउट रिपल्शन हो रहा है, समझ में आया? लेकिन जो टेम्परेचर रहता है, सराउंडिंग में अच्छा ओके एनर्जी, ओके ओके, हाँ हाँ तो वो ये उसको लोग कर घूमते देता है रहते हैं, थोड़ी घूमते देर। रहते हाँ हैं, तो हाँ पॉसिबिलिटी आती रहती है। हाँ ऐसा बोल सकते हो, अगर ये मॉलिक्यूल को एक कंटेनर में लिया है और हाँ इसमें 100% में से है ना, 90% ये वाला फॉर्म होगा, 10% ये एग्जिस्ट होगा, ओके okay. आ समझ? हाँ सर मैंने ना रिसेंटली एक ऐसा मैंने देखा था कि जिसके अंदर है ना वो कोई, अरे सर कैसे समझाओगे सर, रुको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, क्योंकि है ना सर उसके अंदर है ना मेरे को बहुत डाउट आया था। एक सेकेंड, अभी सोचो कि ये कोई ऐसा हैंडल या फिर बटन जैसा है, और बाद में उसके ऊपर ऐसा स्क्रू लगा है, ठीक है, और स्क्रू ऐसा रहता है ना दो घूमता है, इसको ऐसा ऐसा घुमाते हैं ऐसे, तो सर उसको मैंने एक ऐसा देखा था कि जब स्पेस स्टेशन और सोवियत यूनियन का वो लोगों को कोई अपना सैटेलाइट या फिर कोई ठीक करने का था, तो उसके अंदर जो गया था ना ठीक करने, उससे ना उसको ऐसा ट्विस्ट करके ऐसा निकाल दिया, ठीक है, तो सर जब वो अच्छा देखा ना तो ना उसको पता चला कि ऐसे घूम रहा है, लेकिन आपको पता सर इसका ये जो सेंट्रल एक्स था चेंज नहीं हो रहा था, ये चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन है ना सर थोड़े टाइम बाद पता क्या पता चला कि है ना वो उल्टा हो गया था, उल्टा हो गया था, मतलब अभी इसका जो विंग्स जो मैं बोल, रोटेशन हाँ, मतलब वो ऐसे हो ऐसा गया। फ्लिप हो गया था, हाँ। तो सर अभी है ना इससे मैं क्या सोच रहा था कि है ना ये अभी इसका जो जेड क्या बोलते वाई एक्सिस ले लो, तो सर क्या होगा कि है ना ये थोड़ा नीचे गया आएगा या फिर ये थोड़ा ऊपर गया आएगा, मतलब वो परफेक्टली वाई एक्सिस पर नहीं होएगा, तो उसको लोएस्ट एनर्जी में आना होगा, इसकी वजह से वो फ्लिप हो आएगा। हो लेकिन सकता सर है, बहुत सारे रीजन है। लेकिन एक बार वो फ्लिप होने के बाद उधर ही रहना चाहिए ना, वो ऐसा बार बार कंटिन्यूअसली घूम रहा था। हाँ वो जो नट रहता है वो। हाँ। ओके ओके ओके, ये तो अभी बहुत जैसे इंटरेस्टिंग है। और जैसे दोनों हाँ ऑपोजिट, दोनों हाँ ऑपोजिट में घूम रहे थे, ये ऐसे तो ये हाँ ऐसे। हाँ कहाँ पे, ये स्पेस में कहीं पे था? हाँ अरे सर तो है ना अभी है ना आप है ना कोई रैकेट लो, उसको है ना जब ऐसा ऊपर आप फेंकोगे ना सर, तो उसका जो ऑपोजिट एंड है ना वो तो आएगा ही आपके पास, मतलब ये देखो ये है ना आपके पास ये वाला आएगा पोर्शन, ये वाला ही है, पोर्शन नीचे आएगा। ये आपके पास आएगा सर, लेकिन है ना ये ऐसे भी घूमेगा ऐसे, तो है ना ये जो ऊपर वाला साइड है ना आपके ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा, हाँ, और ये जो है ना ये ऐसे चला जाएगा, मतलब जो ऊपर वाला सब नीचे आ जाएगा, ये आगे वाला पीछे आ जाएगा, ऐसा स्लो हाँ। मोशन में अगर कभी आप ऐसा समझा देखो। समझा समझा। हाँ तो सर ऐसा होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि अगर एक बार वो हो गया वो मिनिमम स्टेट में आ गया, तो सर एक बार घूम के उधर ही रुकना चाहिए ना। हाँ लेकिन कैसा होता है, जो लोअर एनर्जी स्टेट होती है और जो हायर एनर्जी स्टेट होती है ना, उसके बीच का जो एनर्जी गैप होता है ना, वो बहुत लो होता है। सर मैं ना आपको वो बताता हूँ वो मैं क्या एक्चुअली बोल रहा था, कि जो था ना सर बहुत इंटरेस्टिंग था, उसके अंदर है ना ये भी बोला था कि सोवियत यूनियन ने है ना ये सब छुपा के रखा था पूरी दुनिया से, क्योंकि उनको क्या लगता था कि है ना इसकी वजह से पूरा अर्थ का मैग्नेटिक जो पोल है ना वो उल्टा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली वैसा होएगा नहीं। वो उसमें बोला था कि है ना जो भी एक्सिस पे रहता है तो उसमें ना हर एक ऑब्जेक्ट उसका मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आने का ट्राई करता है, मतलब सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट, ऐसा अच्छा, समझा। मैं आपको भेजता हूँ वो सर क्या है। ओके, देखो ये स्टेटमेंट देखो, द कंटिन्यूअस रोटेशन हैपेंस अबाउट अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड टू रिलीज द स्टैटिक स्ट्रेन ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ समझ में? अब इधर देखो, इन एनी मॉलिक्यूल टू टाइप ऑफ रिपल्शन, आर प्रेजेंट। किसी भी मॉलिक्यूल में ना दो टाइप का रिपल्शन होता है। और हाँ, एक क्लासेस में मोल कॉन्सेप्ट हो गया है ना, तो उसका हाँ एलन का मॉडल सॉल्व कर लो। हाँ सर मैंने यूएसएस का तो सॉल्व किया, अभी एलन का करूंगा मैं। हाँ वो कर लो एकदम जल्दी से, हाँ बैकलॉग मत रखो बस। हाँ
सर अभी आपने ये दो टाइप ऑफ रिपल्शन बोला, एक तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में आएगा और बाद में हाँ तो पहला वाला बराबर बोला तुमने, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, हाँ ठीक है, फिर दूसरा भी एक होगा उनका न्यूक्लियस, दूसरे को बोलेंगे रिपल्शन ड्यू टू साइज, समझ में आया सर लेकिन साइज का रिपल्शन कैसे, मतलब साइज बताओ। टू रिपल्शन है। बताता हूँ बताता हूँ, ये देखो इसको बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन, और इसको बोलते हैं वैन डर वाल्स स्ट्रेन। अब इधर देखो, मान लो ये ऐसे मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो देखो एक तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनका आपस में रिपल्शन होगा, हाँ समझ में आया। हाँ और दूसरा दूसरा ये जो ग्रुप होंगे उनके बीच में रिपल्शन होगा। सर वो तो इलेक्ट्रॉन का ही रिपल्शन हुआ ना सर। हाँ लेकिन ये ड्यू टू ग्रुप है ना, ग्रुप है ये, अच्छा समझ में ओके ये ओके बॉन्ड सर। के इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड के हाँ इलेक्ट्रॉन है और ग्रुप का इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप का इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ क्लस्टर। अच्छा इसके वजह से उसको साइज बोल दिया मतलब। हाँ हाँ तो हाँ उसको वैन डर वाल्स स्ट्रेन बोलते हैं, हाँ समझ में ओके आ गया। हाँ अच्छा हाँ, नोट्स किधर तक बना, कुछ हुआ? सर हाँ सर हुआ ना क्या बोलते हैं जो लास्ट क्लास का था वो थोड़ा बाकी है, लेकिन है ना सर मैंने आयु पैक का स्टार्ट कर दिया बाद में क्या बोलते हैं मैंने ना पीरियोडिक टेबल का याद करना चालू कर दिया सर, नोट्स कंप्लीट हो गया? और कंप्लीट पूरा नहीं हुआ है बाकी है सर, और बाद में ना मैंने एक टाइम टेबल भी बना दिया जिसके अंदर है ना मैं रिवीजन का टाइम दे रहा हूँ अभी तो है ना सर मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन स्टार्ट कर वो तो पहले कर दिया लेकिन कंटिन्यू किया, और अभी है ना नोट्स कंप्लीशन का भी एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट रखा है मैंने सर। पीरियोडिक पीरियोडिक का नोट्स हो गया कि नहीं, कंप्लीट बाकी है? पीरियोडिक का नोट्स कब का हो गया था सर, हाँ उस बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का बाकी है सर। हाँ हाँ बॉन्डिंग के बाद तो फिर पता है ना आइसोमेरिज्म भी आ रही है, भी आ गया हाँ ये आईयूपीएसी हो भी आ गया, गया। ये आईयूपीएसी बाकी है, ये आइसोमेरिज्म का मैं ना सर साथ में ही चल रहा हूँ। ओके ओके ठीक है, चलो तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से जो स्ट्रेन आता है ना उसको बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन, और रिपल्शन ड्यू टू साइज की वजह से आता है उसको वैन डर वाल्स स्ट्रेन बोलते हाँ हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है ये स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन ओके तो सर मेरे स्ट्रेन को पता मतलब है, होता मेरे है को हाई पता है मेरे, पोटेंशियल एनर्जी। अरे सर मेरे को पता था सर, आपने मेरे को ये पहले बोला था ओके ओके हाँ मेरे को याद था। मैंने ये बहुत पहले ही पढ़ाया था तुमको। हाँ मेरे को ये याद था हाँ कि इसका हाई पोटेंशियल रहता है इसके वजह से स्ट्रेन बोल देते हैं, मेरे को आंसर देने का था सर। ओके ओके चलो ठीक है, तो मॉलिक्यूल ये स्ट्रेन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या रिलीज करते हैं? बाय रोटेशन। ओके अच्छा सर इसका मतलब देखो अगर वो हाई पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक में कन्वर्ट होके हीट के थ्रू ऐसे बाहर निकल दे। नहीं, तुम है ना उसको हीट में नहीं कन्वर्ट कर सकते क्योंकि एनर्जी गैप है ना बहुत कम होता है। ओके मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट आएगा, अभी एग्जांपल आएगा तो सब सीख जाओगे। मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट स्ट्रेन बाय रोटेशन अलोंग कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, और तुम अच्छे से प्रिपेयर करो क्योंकि तुम्हारे टाइम पे अब पेपर डिफिकल्ट आएगा, समझे? हाँ क्योंकि हुआ क्या, इस बार भी रिकॉर्ड बन गया, आज तक कभी किसी ने नीट में इतना लाया नहीं था। हाँ हाँ सर मेरा तो तो 2 साल कैसा? है ना, हाँ मेरा तो 2 साल है। अच्छा हाँ बराबर, हाँ नेक्स्ट ईयर का हार्ड होएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या पता अभी देखेंगे। हाँ मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट स्ट्रेन बाय रोटेशन अलोंग कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन वेरियस कॉन्फर्मर रिजल्टिंग, कॉन्फर्मर्स ओके हाँ जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे ना हाँ उनको कॉन्फर्मर्स बोलते हैं। हाँ सर
रिजल्टिंग इन डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेन हाँ एंड इंक्रीज ऑफ स्टेबिलिटी. मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट स्ट्रेन बाय रोटेशन अलोंग कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड. ओके और ये सिग्मा बॉन्ड का रोटेशन किसके बीच में होता है? बहुत सारे कॉन्फॉर्मर्स होंगे उनके बीच में. हाँ. और वो क्या करते हैं? ऐसा करके एनर्जी को कम करते हैं. मैंने सिखाया ना तुमको वो ग्रुप कैसे मूव होते हैं. सर इसका मतलब वो एक टाइम पे स्टॉप होंगे ही होंगे ना? नहीं नहीं वो स्टॉप नहीं होते. बताया ना कि मूव करने के लिए एनर्जी बहुत कम चाहिए तो घूमते ही रहते हैं. अच्छा मतलब हर टाइम इतना एनर्जी रहता ही रहता है. हाँ एक पर्टिकुलर टाइम पे बोल सकते हो कि ये वाला फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट होगा. ओके अब इधर देखो. अच्छा मतलब सर जब तक है ना वो एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके जो एनर्जी रहेगा ना सबको रोटेट करता रहेगा, धीरे धीरे वो एनर्जी कम होते जाएगा वो कुछ बाद में, क्योंकि उतना एनर्जी बाकी नहीं रहेगा इतने सारे लोगों को रोटेट करने के लिए. नहीं नहीं कुछ लोग जिनको कम एनर्जी चाहिए ना वो लोग रोटेट होके वो फॉर्म में आ जाते हैं. हाँ, लेकिन हाँ. होता क्या है, होता क्या है जब तक बाकी के और उस फॉर्म में आते हैं ना तो ये थोड़ा सा अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. अच्छा ऐसा है. ठीक. अभी ये स्टेटमेंट क्या तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज मच लेस देन एनर्जी अवेलेबल इन द सराउंडिंग. एनर्जी अवेलेबल इन सराउंडिंग एट रूम टेम्परेचर. समझा? द एनर्जी अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर. जो रूम टेम्परेचर पे एनर्जी अवेलेबल होती है वो होती है 25 किलो कैल पर मोल. मतलब अगर एक मोल पार्टिकल तुमने रूम में ले लिए तो उनके पास जो एनर्जी होगी ना वो 25 किलो कैल की होगी. 25 किलो कैल. और ये भी कब? जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तब. समझ में आया? एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन इज नियरली 5 किलो कैल पर मोल. कितना एनर्जी चाहिए? 5 किलो कैल पर. ओके तो उसके बाद ड्यू टू रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड. समझ में आया? द बॉन्ड एंगल रिमेन्स कॉन्स्टेंट. बट डायहेड्रल एंगल चेंजेस. अब क्वेश्चन आता है ये डायहेड्रल एंगल क्या होता है. ठीक है तो ये देखो ये ऐसे ग्रुप है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे. मान लो तुमने ये पॉइंट के बीच में, हाँ ये वाला फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड हो गया, तो इनके बीच में क्या एंगल है? तो इस एंगल को समझने के लिए ना अपन अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो अभी वो स्ट्रक्चर सीखेंगे. समझा? हाँ तो और जो ये एंगल की बात किया है ना सिग्मा बॉन्ड का, हाँ मतलब एक ये वाला जो एंगल होता है तो टेट्राहेड्रल होता है, अगर कार्बन है तो sp3 होगा. sp3. और इसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स. समझे? हाँ ऐसा है. अभी नेक्स्ट है ना मैं तुमको अलग अलग स्ट्रक्चर सिखाता हूँ. ओके देखो सब टीचर्स का अलग अलग तरीका होता है लेकिन जब भी तुमको बनाना होगा ना हमेशा यही तरीके से बनाना. ठीक है तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन, मतलब मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. हाँ.
जो उसको बोलते हैं ना 3D में रिप्रेजेंट करने का हाँ, तरीका, हाँ, हाँ. ऐसा। तो ये देखो सर तो ये जैसे तो कि, उससे ही होएगा ना, वेज एंड डैश के हेल्प से. हाँ नहीं, इसका ये एक अलग तरीका है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल को अरेंज करना है ना, मतलब हाँ एक मॉलिक्यूल में दो दो ग्रुप है। हाँ वेज डैश तो यार किसी को भी लग सकता ठीक है. है। तो इसमें इसमें सबसे पहला जो आता है उसको बोलते हैं सौ हॉर्स प्रोजेक्शन, समझ में आया? घोड़ा देखा वाला तरीका। हाँ हाँ ये बोला था आपने पहले. हाँ समझे? तो इधर देखो एग्जाम्पल कौन कौन सा, वो देखो H3C, CH2, CH2, CH3, समझे? हाँ अब सर कार्बन को नंबर देता हूँ, इसको वन ठीक देता हूँ, है. इसको टू देता हूँ, इसको तीन देता हूँ, इसको चार देता हूँ। हाँ सर आ समझ में? अब देखो मैं क्या करता हूँ पता है, पहले कार्बन को और दूसरे कार्बन को लेके स्ट्रक्चर को बनाता हूँ। ये देखो ये लाइन हो गई, दोनों का सिग्मा बॉन्ड, हाँ एक इधर आया, एक ऊपर गया, एक ऐसे आया, एक ऐसे आया। क्योंकि देखो अपने को है ना ये एंगल भी मेंटेन करना है 109 डिग्री, ट्वेंटी हाँ एट मिनट्स हाँ सर ठीक है। आपने ये ये थोड़ा किस सा किस ऐसा को ताकि लेकर एंगल किया दिखे, सर, फर्स्ट एंड सेकंड? फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन, ठीक है? ठीक है यहाँ पे देखो सर. ये अगर H, ये सेकंड कार्बन है H, और अच्छा उधर CH2 लगेगा. हाँ, समझा समझा समझा. और बोलो उधर समझ में आ गया? हाँ सर ऐसा हो गया। और फिर मैं टू और थ्री के बीच में भी बना सकता हूँ। हाँ देखो कैसे टू और थ्री के बीच में कैसे बनाते हैं। तो ऐसे खींच लो एक, एक ऐसे 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 और ये ऐसे। अभी जो टू का रहेगा उस पे है ना सर, एक CH3 अटैच रहेगा, एंड जो थर्ड वाला रहेगा उस पे दो एच रहेगा एंड एक CH3 का रहेगा. वेरी गुड। सर अभी हम ऐसे फर्स्ट और थर्ड का नहीं ले सकते और सेकंड और फोर्थ का नहीं ले सकते ना. फर्स्ट नहीं कैसे ड्रॉ करोगे, बीच में तो हाँ कार्बन वही आएंगे ना, वही उनको दिखाना वही. पड़ेगा। हाँ और हाँ कार्बन को मैंने बताया था ना तुमको किंग से दिखाते हैं, किंग को ज़िगज़ैग लाइन ये सर, किंग तो पॉइंटेड ज़िगज़ैग लाइन पोर्शन। होता है. अरे किंग बेटा ये पॉइंटेड होता है, ये होता है किंग। हाँ ये देखो ना लेकिन इधर भी आया ना। हाँ. मैं वो मैथ्स का वो ग्राफ के अंदर किंग के रहते उसकी बात कर रहा था सर. ओके समझा? ये हाँ तो पहला वाला किसके इसके बीच में बनाया, C1 एंड C2, C2 और ये किसके बीच में, C2 सी C3. टू एंड C3। ऐसे तुम C3 और C4 का भी बना सकते हो। तो हाँ तुमने पहला तरीका सीख लिया जिसको हम लोग बोलते हैं सो सौ हॉर्स हॉर्स. प्रोजेक्शन फॉर्म। हाँ चलो अभी न्यूमैन बनाना सिखाते हैं। क्या हाँ न्यूमैन? ह्यूमन. तो ये ऐसे ग्रुप था, एक इधर था, एक इधर था, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, बराबर। हाँ अब इधर मान लो ये CH3 है, ये ओके H है, ये H है, इधर भी मान लो CH3 है, ये H है और ये H है। तो ऐसे मानो ना कि तुम इसको ऐसे फ्रंट से देख रहे हो, एकदम इधर से देख रहे हो, और तो तुम ये दिख रहा है तुमको, ये कार्बन नहीं दिखेगा, हाँ नहीं दिखेगा, पर्दे समझ में आया? के पीछे रहेगा. तो जो अच्छा फ्रंट नहीं कार्बन, नहीं सर हम 2D में देख रहे हैं मतलब. नहीं, ये नहीं. सपोज यहां अरे सर अगर हम ये है ना जिधर आपने वो एरो मार्क किया ना सर, अगर हम उधर से देखेंगे तो पीछे वाला कवर हो जाएगा. वैसे ही बोल रहे हो ना, हाँ, लेकिन वो 2D नहीं हुआ ना, है तो 3D, लेकिन अपने है को तो नहीं दिख रहा है, 3D, वो लेकिन बात की सर है। जो अपना रेफरेंस है वैसे तो 2D दिखेगा. वैसे ही बोल रहा हूँ हाँ मैं. लेकिन बेटा कैसा है बताया, ये कार्बन जो है ना ये टेट्राहेड्रल है, तो यू कैन नॉट इमेजिन ऑफ 2D। ये इसमें हाइड्रोजन एक प्लेन में नहीं होंगे, अलग अलग प्लेन में होंगे, समझे? अरे नहीं सर. अरे सर बैक. अरे देखो सर ऐसा 2D मतलब अभी ये ना आप देख रहे हो वो कार्बन को, ठीक है?
सर अभी है ना सर, ऐसा ये पीछे भी जाएगा ना, तो अगर हम उसको देखेंगे तो हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि सर ये पीछे वाला अरे ठीक है चलो, इसके मैं शैडो के तुमको अंदर तुमको रहेगा एकदम ना। लिसन लिसन एकदम सिंपल तरीके से बता देता हूँ। ये तुम ये सब बॉन्ड बोल रहे हो ना, ये एक प्लेन में होते ही नहीं है, समझे? हाँ इसके लिए 2D नहीं बोल रहा, इसको फ्रंट वाले को, समझ में आया? अच्छा, ठीक हाँ, है इसके लिए समझा। नहीं बोल रहा हूँ, क्लियर? ओके हाँ, लेकिन अगर है ना वो क्या बोलते हैं, अगर हमने सामने से देखा तो पीछे वाला नहीं दिखेगा, क्योंकि वो कवर हाँ हो जाएगा बस उससे। कवर हो जाएगा, राइट। तो हम सामने वाले कार्बन को लेते हैं ऐसे डॉट, ऐसे डॉट लिया, हाँ उसको जो ग्रुप अटैच है वो ऐसे सर, ऐसे लेकिन ऐसे। मेरे को ये क्वेश्चन है कि सर जो पीछे वाला जो है सर, वो सेम लाइन में आना चाहिए ना आगे वाले के हाँ आएगा ना, आएगा ना, देखो ना पहले तुम देखो। तो ये सर। तो पहला लेकिन कार्बन दिख जैसे गया तुमको। जैसे आपने ड्रॉ किया सेम लाइन में नहीं है सर। अरे यार तू ऐसे सोच ना, तू स्क्रीन के सामने खड़ा है, तेरे को ये पहला कार्बन दिख रहा है हाँ बस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और दूसरा पहले बना तो लेने दे मेरे को। उसके पीछे दूसरे कार्बन को ऐसे दिखाया बड़े गोले से, हाँ समझ में आया? हाँ सर, हाँ, और उसमें ये ऐसे है उसका ग्रुप, और ये दो ऐसे है, ये पीछे वाले के हो गए। हाँ मैं ऐसा ही बोल रहा था सर। हाँ तो ये CH3 हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, इसका क्या हो गया, ये CH3, हाँ ये H और ये H, ठीक ठीक है है ओके। ऐसे। मतलब सर वो सर्कल वाले को एक पीछे वाले को सर्कल से दिखाते हैं। हाँ फ्रंट वाले को डॉट से दिखाते हैं। हाँ और सर कुछ कुछ अगर लोगों का अलग होता है, कुछ कुछ लोगों का अलग होता है, वो पहले सर्कल बनाते हैं पीछे वाले का। सर, लेकिन अगर देखेंगे तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि सर्कल पहले कि डॉट पहले। हाँ, बट जनरली जैसे बताया ना कि कुछ लोग ऐसे चेंज भी करते हैं, वो फ्रंट को ऐसे सर्कल ले लेते हैं, पीछे वाले को डॉट लेते हैं, और हाँ उनका क्या एक्सप्लेनेशन होता है पता है, कि जो ग्रुप अपने आँख के सामने वो बड़ा दिखेगा ना, और जो पीछे वाला ग्रुप है वो कार्बन वो छोटा दिखेगा। बट कैसा है, तुम अपना डायरेक्शन तो चेंज कर सकते हो ना, यहाँ से जाके पीछे वाले को दे, पीछे हाँ वाले के साइड से देखो, हाँ तब हाँ फिर तब प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए हाँ हम लोग ऐसे पहले वाले को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और पीछे वाले को वैसे रिप्रेजेंट हाँ करते सर हैं। अब देखो इसका और भी तरीका होता है, अगर ऐसे कुछ बना दिया कभी। सर, अगर ये पी अगर सर ऐसा तीन लाइन में, सर तीन लाइन में होता है क्या कभी ऐसा? ये देखो अगर ऐसा आ गया कल को, हाँ मैं ऐसे पूछने वाला था। तो ये देखो, ये फ्रंट वाले को ऐसे डॉट से दिखाओ, इसका ये नीचे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है? हाँ और फिर आगे का ये, ओके, हाँ उसमें भी ऐसे आ जाएगा, और दूसरा वाला देखो इसमें पहले बनाया ना इसके, तो ये भी हाँ इधर बनाओ और इसको भी इसके पहले बनाओ, या फिर एक दूसरा तरीका और है, या फिर ऐसे बनाओ, ये डॉट हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, पीछे वाले को मैंने ऐसे बनाया, हाँ और फिर ये डॉट को बाद में दिखा रहे हो। हाँ हाँ तो इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म, क्या बोलते हैं? सर 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 मेरे को एक एक्लिप्स। क्वेश्चन है हाँ, ये सर, हाईली अभी अनस्टेबल होगा। अभी आपने ऐसा इसको डॉट से दिखाया है, मतलब वो उसका पीछे का ऐसा बस उसको क्या बोलते डॉट कर दिया है, बाकी तुम सॉलिड लाइन से भी दिखा सकते हो, ऐसा कुछ हैं? नहीं। पीछे पीछे सर, ये जो येलो एंड डॉटेड लाइन है लेफ्ट वाले में, वो उल्टा आना चाहिए ना सर, मतलब डॉटेड पीछे आना चाहिए ना सर, किसमें मतलब समझ नहीं रहा। इसके अंदर डॉटेड पीछे आना चाहिए ना। हाँ तो तुम देखो एक को पीछे कर रहे हो ना, एक को पीछे कर रहे हो ना, तो सबको पीछे करो, हाँ तो सर ऐसे सोचो। अगर इसको ऐसा पीछे किया है ऐसा, तो सर ये तो पहले से ही पीछे है, ये वाला पहले से ही पीछे है। अच्छा ये दोनों के बीच में रिलेशन देख लो, पहले कौन आ रहा है, पहले ये वाली लाइन आ रही है, ये वाले कलर वाली, राइट वाइज क्लॉकवाइज देख रहा हूँ मैं, उसके बाद कौन सा हाँ। आया, येल्लो, येलो येल्लो, हाँ फिर ये देखो वही, फिर टर्कवाइज आया, अच्छा, फिर येल्लो आया। ऑल्टरनेट जाने का हाँ मतलब। हाँ 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 ओके ओके समझा सर ऐसा है समझा। पक्का ना? हाँ
ओके तो इसको बोलते हैं बेटा परफेक्टली एक्लिप्स, और इसको क्या बोलते हैं पता है, एंटी। आगे सिखाऊंगा ये सब, बट ड्रॉ कैसे करते हैं समझा ना। हाँ, ये तरीका बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, समझे, बहुत सारे लोगों को ये स्ट्रक्चर बनाने में ही तकलीफ हो जाती है। अच्छा हाँ, अच्छा सर, और मैंने जो, पता नहीं चलता है ना कि कैसे 2D और 3D का वो कैसे ऐसा हाँ एक वो एक भी में है। कैसे दिखा है। अब मैं तुमको है ना स्टैंडर्ड फिशर बताता हूँ। स्टैंडर्ड फिशर मतलब पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है, ओके और ये जनरली तब फॉलो होता है जब बोलता है ना फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। हाँ तो सबसे पहला रूल, द प्रिंसिपल कार्बन चेन, शुड बी प्रेजेंट एट वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, चलो एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, दूसरा पॉइंट लिख लेता हूं उसके बाद। द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल कार्बन चेन क्या होता है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो पेरेंट रहता है वो। यस, द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मोस्ट ऑक्सीडाइज शुड बी प्रेजेंट एट टॉप। कहां पे रहना चाहिए वो? टॉप। हाँ समझा? हाँ सर समझा सर, लेकिन ऐसा एग्जांपल तो तभी थोड़ा पता चलेगा वरना समझेगा नहीं सर ऐसा। अच्छा, तो ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्टैंडर्ड फिशर लिखा। अभी तक मैंने तुमको फिशर बनाना नहीं सिखाया, हाँ समझ में आया? तो पहले मैं तुमको सॉहर्स सिखाता हूँ, फिर उसके बगल में फिशर सिखाता हूँ। बट उसके पहले है ना एक सिंपल सा फिशर बताता हूँ, एक्चुअल में फिशर कैसे बनाते हैं। हाँ ठीक है, तो ये देखो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला मतलब मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का है ना अलग अलग तरीका होता है, हाँ हाँ जैसे सॉहर्ट्स है, और फिर दूसरा अपना न्यूमैन है, हाँ और तीसरा ये है। ठीक हाँ है, तो देखो इसमें फिशर में एक ऐसे वर्टिकल लाइन खींचते हैं और हाँ फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, हाँ समझ में आया? ये हाँ सारे जो पॉइंटेड पोर्शन है ना, ये जो इंटरसेक्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये सारे हाँ कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ दे ऑल आर कार्बन। ओके, और इसमें ये जो ग्रुप रहता है ना ये सारे अबव द प्लेन होते हैं, तो इसको ऐसे सॉलिड से दिखाते हैं हाँ ये सारे। हाँ ठीक है। अच्छा मतलब ये तुम्हारे साइड में, मतलब क्योंकि इनको आगे टेट्रा, आगे आगे हाँ सर। टेट्राहेड्रल मेंटेन करना है ना बेटा, हाँ हाँ समझा सर। हाँ तो ये ऐसे सारे आगे रहेंगे। और ये जो है, ये जो देख रहे हो, ये इन लोग कौन से रहेंगे? पीछे वाले। हाँ डॉटेड, समझ में आया ना? ऐसा क्लियर? हाँ सर तो कैन आई राइट दिस वन एज इन अबव द प्लेन? एक सेकेंड। हाँ बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, या फिर टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, हाँ हाँ और इसको ग्रीन वाले को मैं क्या बोल सकता हूँ? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर या फिर इनसाइड द प्लेन, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, इनसाइड नहीं बिलो। हाँ या फिर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये हो गया एक नॉर्मल फिशर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ओके, तो फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है कॉमन?
वर्टिकल लाइन होती है और हॉरिजॉन्टल होती है, तो ये सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये मैंने तुमको एक्चुअल मीनिंग बताया उसमें ये होता कैसे, समझ में आया? तो अब देखो, अब तुमको बहुत बार क्या होगा पता है, सो हॉर्स देगा, सो हॉर्स से न्यूमैन बनाना होगा और फिर न्यूमैन से है ना फिशर बनाना होगा। अच्छा ओके ऐसा आएगा। हाँ तो अब जो नेक्स्ट लिखोगे ना वो स्टैंडर्ड फिशर लिखोगे। हाँ तो फिशर समझ में आया? हाँ तो स्टैंडर्ड फिशर क्या होता है, द प्रिंसिपल कार्बन चेन शुड बी प्रेजेंट एट वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब ये लॉन्गेस्ट चेन होगी तुम्हारी। हाँ मतलब जो ऐसा एक कंटिन्यू हो रहा है वो बीच का। हाँ हाँ, और जो सबसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना वो सबसे टॉप पे आएगा। हाँ समझ में आया? हाँ अब इधर देखो, इसका फिशर का थोड़ा और एग्जांपल देना पड़ेगा सर जैसा। हाँ देता हूँ। हाँ इधर देखो, पहले एक सोहॉर्स देख लो, तो यहाँ पे सबसे टॉप पे लिया मैंने सी एच ओ, यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ एच, ठीक है, यहाँ पे एच और यहाँ पे भी ओ एच, और ये क्या हो गया सी एच थ्री। समझ में आया? तो ये जो मैंने लिखा था ना ऐसे ही लिया क्या आपने, मतलब रैंडम? हाँ ऐसे एक रैंडम कोई ग्रुप ले लिया। अब जरा ध्यान से सुनो इधर, तो ये जो लिखा है ना द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मोस्ट ऑक्सीडाइज शुड बी एट द टॉप, किसमें? फिशर में। फिशर में हाँ, लेकिन इट शुड बी एट दी बॉटम, इट शुड बी एट दी बॉटम, किसमें? किसमें? सोहॉर्स में। सोहॉर्स में याद रखना, सोहॉर्स में रखना होगा ना, ऊपर की तरफ होना चाहिए लेकिन सोहॉर्स में नीचे की तरफ होना चाहिए। तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट करना पड़ेगा। हाँ समझ में आया? तो फिर मैं रोटेट करूंगा तो देखो कैसा होगा ये, तो ये नीचे आ गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये ऐसे है, पहले वाले को फिक्स रखा है बेटा। ओके हाँ, तो मतलब वो पहले वाले का और दूसरे वाले का सेम ऑपोजिट ऐसा क्या बोलते हैं सेम दिखेगा। हाँ ये देखो, ये ऐसे आ गया, ठीक है। हाँ, अब ऐसे सोचो, अब ऐसे सोचो, ये ऐसे तुम यहां से देख रहे हो, यहां से ऐसे, हाँ ठीक है। अब इसको ना ऐसे मारो और ये चपटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? चपटा। तो ये देखो, ये ऐसे वर्टिकल, ये ऐसे आ गया, बराबर। तो ये सी एच ओ इधर आ जाएगा, नीचे पीछे की तरफ रहता है ना ये, याद है? याद है ऐसा, ओके। और ये सी एच थ्री इधर आ जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में, इसका पहले एच और राइट में क्या है ओ एच, और बाद में ओ एच और इसके, समझा? हाँ सर, ऐसे। तो ये जो फॉर्म है ना सोहॉर्स का बेटा, ये जो सोहॉर्स का फॉर्म है ना, इसको अपन ऊपर से इक्लिप्स, देख रहे हैं बोल सकते हैं, ऊपर से बराबर, वेरी गुड, यही मैं बताने वाला था तुमको, व्यू फ्रॉम द टॉप। हाँ क्या बर्ड्स आएगी जो भी। हाँ ऐसा, समझे? हाँ मेरे को वही पहले परफेक्ट क्वेश्चन आ रहा था कि इसको मैं अगर इमेजिन करने का ऐसा करूं कैसे, मेरे को अभी पता चला कि ऊपर से देखा है। समझ में आया? हाँ और फिर मैंने इसको रोटेट क्यों किया, क्योंकि फिशर में जो टॉप मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है ना उसको नीचे होना चाहिए। हाँ, ये स्टैंडर्ड रूल है। हाँ ये क्या है? स्टैंडर्ड रूल। नहीं हाँ तो इसको अगर चपटा करते ना, इसको ऐसे चपटा करते ना, तो तुमको थोड़ा सा अलग फॉर्मेट मिल जाता। हाँ अलग फॉर्मेट कैसे? एच एच दोनों एक साइड आ जाते। हाँ एच एच दोनों एक साइड आ जाते और बाद में वो सी एच ओ और सी एच थ्री का सेम रहता है सर। नहीं सर, सी एच ओ का सर एक एक अबाव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है ना, तो एक डॉटेड होता है और एक सॉलिड होता है ऐसा। क्लियर? हाँ सर, तो याद रखना,
हमेशा पहले ऐसे बना लेना, फिर इससे ऐसे बनाना. हाँ या तो फिर इसका न्यूमैन बनाओगे तो कैसा होगा, ये डॉट ऐसे आ गया, हाँ और फिर इसी के साइड सी एच ओ, इधर ये, और थोड़ा बड़ा बनाता हूँ. हाँ ये ऐसे हो गया, इधर सी एच थ्री आ गया, इधर एच आ गया, इधर ओ एच आ गया, बराबर. हाँ सर सही सही और पीछे वाले किधर कैसे आ जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, हाँ ऑल्टरनेट हो जाएगा ये ऐसे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ एच, यहाँ पे एच, और एच यहाँ पे एच सी फोर एच सी. हाँ एच ओ सी सी एच ओ एक सेकेंड सर रुको समझा? रुको रुको सर उसको भी नीचे ही लिया और बाद में हाँ सर सब अभी समझा मेरे को अभी समझा हाँ सर अभी उसको ऐसा भूख अभी ऐसा वो सर कोई ऐसा मैजिक ट्रिक का वो सब सामान रहता है ना जिसके अंदर कुछ घुमा के ऐसा खींचना पड़ता है फिर तो वो अभी घुमा जाके घुमा लॉक के हो जो जाता है स्ट्रक्चर बनाओगे ना, हाँ हाँ सुनो, हाँ अभी जो घुमा घुमा के स्ट्रक्चर बनाओगे ना, ओ एच इधर आएगा, एच इधर आएगा, सी एच हाँ ओ इधर आएगा, उसी को कॉन्फॉर्मर बोलते हैं. हाँ तो सर अभी इसको घुमा के ऐसे पीछे खींचेंगे ना वो दूर वाले को पीछे अपने तरफ खींचेंगे ना तो ये बन जाएगा बराबर बराबर. ये जो सी एच ओ है ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे पूरा हाँ इधर, हाँ हाँ तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. देखो ना, ये दोनों ग्रुप सामने आ गए सामने आ गए तो तो स्टेबिलिटी कम रिपल्शन हो बहुत गया होगा. रिपल्शन सर लेकिन हम ऐसा कर हमने तो बस इसको दिखाने के लिए ऐसा करा है ना सर लेकिन सच्ची में ऐसा थोड़ी ना हम कर सकते हैं हाँ, तो ये मॉलिक्यूल रियलिटी में जो फॉर्मेट रहेगा ना, वो कौन सा रहेगा पता है? सी एच ओ ऊपर रहेगा, सीएचओ समझे? ऊपर रहेगा हाँ तो रिएक्शन के टाइम पे अपन समझ पाएंगे कि सी एच ओ का लोकेशन किधर है एक्चुअल में. ओके समझा तो इसकी वजह से फिशर फॉलो कर हाँ तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कौन बोलते हैं ना, तरीका यूज करते हैं. हाँ तो हाँ तुमने तीन तरीके पढ़ लिए, हाँ समझ में आया? सर सर एक बार देखो सी हॉर्स 100 हॉर्स का एक बार दिखाओ ना 100 हर्ट्ज करना, एक सेकेंड. हाँ हाँ सर न्यूमैन याद रहेगा फिशर याद रहेगा 100 हॉर्स का इतना कुछ याद नहीं है एक सेकेंड है. सर एक सेकेंड न्यूमैन के अंदर एक्लिप्स होता है हाँ दीप, बोलो. हाँ सर मैं बोल रहा था कि 100 हॉर्स के अंदर हम वो डॉट और सर्कल वाला करते हैं न्यूमैन के अंदर एक्लिप्स वाला रहता है देखो, पहले है ना, तुमको सबसे इम्पोर्टेंट क्या पता होना चाहिए, पता है? 100 हॉर्स, ठीक है? हाँ हेलो. हाँ सौ हाँ सर हॉर्स से ही बोलो न्यूमैन बनाते हैं, न्यूमैन से ही फिशर बनाते हैं. हाँ हाँ तो 100 हॉर्स वो डॉट एंड सर्कल वाला है नहीं, ये न्यूमैन है. 100 हॉर्स लेफ्ट वाला है ना सर 100 हॉर्स लेफ्ट वाला हाँ, ये 100 हर्ट्ज, नहीं सर उसके लेफ्ट में ये हाँ नहीं, ये न्यूमैन है ना, देखो सर ना, ये लेकिन न्यूमैन है. देखो इधर, ये देखो, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये ऐसे बना है. ये 100 हर्ट्ज पीछे बनाया था, एक सेकेंड, ऊपर वाली स्लाइड पे लेके जाता हूँ. ये देखो, ये 100 हर्ट्ज, समझा? एक सेकंड सर रुको अच्छा 1 एंड 2 के बीच में 2 है ओके ओके हाँ सर समझा समझा ओके. बहुत सारे बच्चे बेटा इधर ही गायब हो जाते हैं. हाँ अरे सर वो क्या क्या रहते कि अभी न्यूमैन एंड ये इतना क्या बोलते हैं अलग है ना तो याद रह जाता अभी 100 हर्ट्ज का सर क्या बोलते थोड़ा सिंपल है सिंपल. तो हाँ तो भूल जाते हैं न्यूमैन मतलब, न्यूमैन मतलब गोला है, और हाँ सोहर्स मतलब ऐसे घोड़े जैसा है. देखो, अरे हाँ 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 घोड़े जैसा है घोड़े मतलब का सर आधा ऊपर आधा रहता घोड़ा उसकी, आधा आधा घोड़ा देखो. हाँ हाँ,
हाँ ये देखो ना, ये घोड़े का सर, ये उसके आगे के दो पैर, हाँ ठीक है, ये आगे के दो पैर, ये पीछे के दो पैर, और ये उसकी पूंछ। हाँ तो इसीलिए तो नाम है 100 हॉर्स, घोड़ा हाँ देखा। हाँ सर तो समझा सर। लेकिन ऐसा किसी को बोलना मत, मतलब हाँ लेकिन मेन उसके पीछे तो यही था। चलो अभी कॉन्फर्मेशन का पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। आ हाँ गया ना सब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने। तो हाँ सर। सबसे पहले 100 हॉर्स बनाने का, 100 हॉर्स से क्या बना सकते हो? न्यूमैन न्यूमैन। न्यूमैन हमेशा इधर से से देखने का, इधर से देखने का, इसको डॉट दिखाने का, फिर ये पहला ग्रुप बनाने का, फिर इसको सर्कल दिखाने का, फिर हाँ इसमें जैसे दिखेगा ग्रुप वैसे। ये नीचे है तो इसको नीचे बनाने का, इसको लेफ्ट, इसको राइट। हाँ समझे ना? हाँ सर। ओके। सर बस थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका, तभी थोड़ा और क्लियर होएगा। हाँ ऑर्गेनिक का यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए बोलते भूल जाता है। नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्फॉर्मेशन इन इथेन। ठीक है। C2H6 समझे? तो इथेन कैसा होगा, राइट? इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा, इसके अंदर अभी हम न्यूमैन एंड वो सब लगाएंगे। हाँ। एच 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 एच, ये बन गया इसका 100 हॉर्स। हाँ चलो न्यूमैन बनाते हैं। ये डॉट, डॉट्स एक बाद में इधर, एक एच इधर, एच एक एच इधर। हाँ और बाद में सर्कल एंड वो दो के बीच वाला। तो ये एच के, ये एच ऑपोजिट है ना, हाँ तो इधर एच आएगा। बोलो, समझा? हाँ हाँ फिर ये लेफ्ट में है तो इसको लेफ्ट में बनाया, ये हाँ राइट में है तो इसको राइट राइट में बनाया, हाँ ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं पता है? एकदम ऑपोजिट रहते हैं ना दो ग्रुप, देखो ना, हाँ सारे ग्रुप जब ऑपोजिट है तो इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। ठीक है। ओके, अब इसको मैं रोटेट करता हूँ 60 डिग्री से, ओके, क्लॉकवाइज। हाँ और किसको हाँ रोटेट करूंगा पता है? पीछे वाले को, पीछे हाँ वाले को, तो मतलब एक्लिप्स सर्कल बन वाले। जाएगा, एक्लिप्स बन जाएगा। हाँ देखो जरा, 60 डिग्री से रोटेट करूंगा। तो ये आया पीछे वाला, हाँ ये फ्रंट वाला हाँ आया ना, और फिर उसके पीछे ये डॉटेड वाला ग्रुप आ गया। हाँ ये हो गया ना, एक सेकंड तो इस पे तो सर जो नीचे वाला रहेगा सर वो उल्टा रहेगा ना, वो ऑल्टरनेट होना चाहिए ना आपने बोला था। ठीक है ना। हाँ ओके, इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड, हाँ सर समझा। मतलब जब ग्रुप एकदम जस्ट एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। हाँ एंगल का भी होता है, एंगल का भी बताता हूँ मैं, एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊंगा। वापस 60 डिग्री रोटेट किया इसको बेटा। तो अब हाँ जरा देखो, अब ये डॉट हो गया, और डॉट का ऐसा ही रहेगा, रोटेट कौन होगा? सिर्फ सर्कल वाला। हाँ तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, एच एच एच, और ये एच एच एच, ठीक है। कैन आई से दिस इज आइडेंटिकल आइडेंटिकल टू, द फर्स्ट वाला, इसके पहले वाला, मतलब पहले के पहले वाला समझ में स्टैगर्ड। आया? हाँ स्टैगर्ड वाला। हाँ हाँ, अब जरा देखो, ये फ्रंट ग्रुप, ये बैक ग्रुप, ओके। तो इनके बीच में जो एंगल होगा इसको अपन क्या बोलेंगे? डायहेड्रल एंगल, डायहेड्रल, समझ में ठीक है। आया? तो यहाँ पे देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब बेटा इधर से है ना, इधर से असली केमिस्ट्री बोलते हैं ना, ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी यहाँ से। ठीक है मतलब तुमको ऐसा लगेगा कि कुछ अलग सीख रहा हूं मैं, ठीक है सर। समझे? हाँ तो सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इफ डायहेड्रल एंगल, डायहेड्रल एंगल इज 60 डिग्री, हाँ परफेक्ट 60 डिग्री, हाँ इट विल बी कॉल्ड एज स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है।
और किसको स्टैगर्ड बोलोगे? कॉन्फर्मर को, ये अलग अलग कॉन्फर्मर है, ये कॉन्फर्मर है, ये कॉन्फर्मर। सर वो जो दो हाइड्रोजन है वो लोगों के बीच का एंगल 60 होएगा, हाँ इसके और इसके, देखो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट इसके राइट लेफ्ट, और बोलता है ना किसी एक को चूज कर लो उसके बीच में। सर नहीं नहीं वो लेफ्ट वाले से इन दिखाओ दोनों को, ऐसा लेफ्ट वाले से दिखाओ, इससे दिखाओ, नहीं नहीं लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर से दिखाओ कौन सा 60 होएगा ऐसा। अच्छा इसमें, हाँ हाँ ये और ये में, हाँ इसमें और इसमें। हाँ अभी यहाँ पे तो 180 है ना, हाँ वही मैं देख रहा था। हाँ तो देखो देखो, तो ये अगर 60 आए तो क्या बोलोगे? स्टैगर्ड। हाँ दूसरा, इफ डायहेड्रल एंगल इज 0 degree देन इट विल बी कॉल्ड एज एक्लिप्स्ड। Eclipse, हाँ ये देखो ये वाला फॉर्म, हाँ हाँ मैं वही सोच रहा जब था। ये एच इधर आ जाएगा नीचे, हाँ समझे? हालांकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यही दो ग्रुप क्यों लिया मैंने, बाकी ये क्यों नहीं लिए, ऐसा है, समझ में आया? हाँ तो अगर डायहेड्रल एंगल फॉर फर्स्ट ग्रुप और जो दूसरा वाला ग्रुप है, मतलब फ्रंट कार्बन एंड रेयर कार्बन, देखो यहाँ पे जो फ्रंट बोलते हैं ना, फ्रंट मतलब आगे वाला हाँ और रेयर मतलब पीछे वाला, आर ई ए आर होता है वो, हाँ 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 आर ए आर ई नहीं, हाँ हाँ रेयर नहीं, हाँ हाँ रियर हाँ कार्बन, पीछे वाला, हाँ हाँ, देन इट विल बी कॉल्ड एज एक्लिप्स्ड। हाँ अब तीसरा, इफ डायहेड्रल एंगल इज थीटा और थीटा जो है वो 60 से कम है बट 0 से ज्यादा है, तो ज्यादा है इसको कहेंगे स्क्यू फॉर्म। स्क्यू, ठीक है मतलब ये हो गया तुम्हारा स्टैगर्ड, ये हो गया तुम्हारा एक्लिप्स, इसके बीच में अगर 60 डिग्री के अलावा कोई भी रोटेशन करते हो, 20 हाँ, डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 स्क्यू डिग्री, तो बोल वो कौन देंगे सा फॉर्म आ जाएगा? स्क्यू। स्क्यू आ जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा लॉजिकल बात है, तुम इसका आंसर दोगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। हाँ सबसे ज्यादा किसमें रहेगा? हाँ बताओ, एक्लिप्स के अंदर। वेरी गुड। तो एक्लिप्स्ड में रिपल्शन ज्यादा होगा किससे? स्टैगर्ड के अंदर, क्योंकि सर वो सेम साइड हाँ पे भी आ जाता है। हाँ नाम से नहीं डरने का, एक्लिप्स स्टैगर्ड ये सब, ऐसा कुछ नाम शुरू सर की नहीं। नाम से तो कुछ से है नहीं ऐसा। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ये हो जाएगा। हाँ सर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का कोई दूसरा नाम पता है तुमको? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन चीटिंग के बोलते हैं। टॉर्शनल स्ट्रेन सिखाया था ना। अरे हाँ, टॉर्शन, हाँ, अभी इतना ऐसा बैठा नहीं होगा दिमाग के अंदर, लेकिन हाँ सर समझा। बाद तो में जो इसको बेटा, साइज की वजह से हुआ था उसको न्यूमैन, नहीं न्यूमैन का हाँ वैंडरवॉल्स। तो ये पहला था, दूसरा आ जाएगा वैंडरवॉल स्ट्रेन। हाँ मतलब अगर है ना सर वो एच के बदले कुछ CH3 हो जाता, या फिर कोई उससे भी बड़ा, मतलब क्या बोलते हैं हाँ डो मतलब कार्बन का। इसमें भी वेंडरवॉल स्ट्रेन किसके बीच में ज्यादा होगा? एक्लिप्स में ही ज्यादा होगा ना, हाँ क्योंकि छोटू छोटू ही है लेकिन सामने आ गए ना, सामने आ गए, हाँ मतलब सर सामने आ समझे? गए, मतलब सेम साइड में आ गए ना वो, एक ही जगह पे हाँ सर। वही एंगल 0 हो गया ना, हाँ, तो अभी भी एक्लिप्स का जो एनर्जी वो ज्यादा होगा किससे? मतलब स्टैगर्ड जो है उससे मतलब ज्यादा होगा पोटेंशियल स्ट्रेन। एनर्जी की बात कर रहे हो ना आप? हाँ स्ट्रेन मतलब वही। तो टोटल रिपल्शन किसमें ज्यादा है? एक्लिप्स के अंदर एक्लिप्स में ज्यादा है किससे? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड से। हाँ तो एनर्जी किसकी ज्यादा, क्या बोलेंगे? एनर्जी एक्लिप्स की ज्यादा है एक्लिप्स की ज्यादा है, और अनस्टेबल स्टैगर्ड भी से, ज्यादा एक्लिप्स ही है। बराबर। तो ये मॉलिक्यूल इथेन हमेशा कैसा रहता है, समझा? कैसा इथेन रहता है? इथेन, अगर एक कंटेनर में इथेन गैस को भरोगे तो उसके मॉलिक्यूल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कैसे होंगे? ऐसे फॉर्म में, स्टैगर्ड होंगे। हाँ समझ में हाँ आया? हाँ सर तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सबसे ज्यादा स्टेबल इथेन। स्टैगर्ड स्टैगर्ड उसके कॉन्फर्मर की बात कर रहा हूँ। स्टैगर्ड स्क्यू और एक्लिप्स। वेरी गुड। तो सबसे ज्यादा आ जाएगा
स्टैगर्ड, फिर उसके बाद आ जाएगा स्क्यू, और फिर आ जाएगा एक्लिप्स. अच्छा तुम्हारे क्लासेस में बोला है कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले? नहीं, कोई कुछ. तो जो भी बोलेंगे ना, तो अगर अपना वो हो गया है ना, तो तुम उसका रिवाइज करना पहले. वही करूंगा सर. लेकिन मेरे हिसाब से ना, ये लोग नहीं क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर इससे नहीं स्टार्ट करेंगे. मेरे हिसाब से कुछ एसपीडी ब्लॉक ऐसा कुछ लगा देंगे ऐसा. लेकिन एसपीडीएफ तो करने के पहले बेटा, पहले पीरियडिक तो होना सर. एक सेकंड सर, अभी मोल कॉन्सेप्ट सिखा दिया, और अब सर मेरे हिसाब से ना ये लोग को अभी एटॉमिक स्टार्ट कर देना चाहिए. क्योंकि सर मोल कॉन्सेप्ट के अंदर है ना, इतना क्या बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उससे हमें रिलेटेड कुछ बताया नहीं था सबसे पहले तो. लेकिन अभी है ना, अगर बाकी का करने का है तो सर उसके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए. हाँ, या फिर ऑर्गेनिक. हाँ सर, मेरे को एक क्वेश्चन था सर. आपको पता है ये जब है ना सर ऐसा डाउट क्लियर कर रहे थे ना मोल कॉन्सेप्ट का, तो उसके अंदर है ना सर ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा था 1s2 2s2 वो वाला 2p6. तो एक कहना पूछती सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया कैसे, तो ना सर बोलते यू डोंट नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और बाद में ना हाँ भी बोल देती कि नहीं 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 यस यस वो एस है वो पी है. मेरे को लगा आपने 15 लिखा है सर. सर ये लोगों ने ना ऐसा 1s2 ये कुछ पढ़ा नहीं है, तब भी ना हाँ हाँ बोल रहे सर कैसे है. बाप रे बाप. और फिर उन लोग ने तो कभी एस सुना ही नहीं होगा. एस कहाँ से आया, कैसे आ गया, पी कैसे आ गया. और सर आप मेरे को कभी सिखाते हैं, सिक्स में सिखाते ना आप पहले मेरे को कि हाँ, तो तब से वो मैं एसपीडीएफ का कर रहा हूँ. मेरे को याद है मैंने आपको डाउट भी पूछा था. हाँ, पोटेशियम का 1920. हाँ, तो मैंने हाँ, बोला थोड़ा सा हाई लेवल है, एक्सेप्शन. लेकिन तुमने बोला कि नहीं सर मेरे को जानना है करके. हाँ, तो मैंने बोला चल बेटा बताता हूँ तेरे को. लेकिन वो दिन भी क्या अजब थे. मतलब अभी तुम मेरे को कंपेयर करोगे तो बोलोगे अरे कौन किससे पढ़ रहा था. हाँ वही वही. अरे सर क्योंकि जितना मेरे को अवेलेबल था नॉलेज उसके हिसाब से ही मैं पूछ सकता हूँ ना सर. उसके आगे का कुछ पता नहीं तो पूछने का नहीं चांस भी बराबर नहीं है है. एक्चुअली. कैसा उसमें सब कंट्रीब्यूशन है ना, तुम्हारे डायट का जाता है. बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे यार. मतलब ऑलमोस्ट 8 मंथ है ना, उन्होंने मेरे को टेक्स्ट डालते थे हर 2 हफ्ते पे, ये वो ऐसा ऐसा. तो मेरे को है ना थोड़ा गिल्ट होने लगा कि अच्छा आदमी इतना बोल रहा है, मतलब वो भी डॉक्टर, और तुम बात नहीं सुनोगे तो कैसा है. हाँ बोला यार चलो ठीक है, आता हूँ एक ही दिन के लिए. तो उसी दिन सब वो बोरीवली का लेता था, तभी तुम्हारे इधर भी आता था. मेन मेरे को बताया था ना बेटा, ट्रैवलिंग का इशू. ट्रैवलिंग. हाँ सर नहीं समझा. तो मैं तो कैसा, मतलब अभी जैसे तुम हो, अगर अच्छे से रहता है ऐसे, तो 3-4 बच्चे तुम्हारे जैसे रहे तो अपने को क्या जरूरत है, सब ऑनलाइन करे. फिर टेस्ट का भी मैं जो ये बोलते हैं ना सॉफ्टवेयर खरीद लूँ और सबको बोल दूँ कि हाँ इस पे टेस्ट दिया करो, हाँ आपको आपके मार्क्स भी पता चल जाएंगे, हाँ डाउट मैं क्लियर कर दूंगा. ठीक है सर. चलो देखो, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ये डायग्राम देख के वो लोग पूछते हैं, ठीक है. चलो देखो, बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, ऐसे कुछ है नहीं इसमें. यहाँ पे अपन लेंगे एंगल ऑफ रोटेशन. ठीक है. हाँ पता ना आपने पीछे वाले को रोटेट किया वो था 60 डिग्री से. 60 डिग्री 0 डिग्री वो सब. हाँ हाँ, तो बस मेरे सहूलियत के लिए, मेरी आसानी के लिए, फॉर माई ईज आई एम ड्राइंग दिस पर्टिकुलर लाइन. बाकी ओके. इसका एज सच कोई वजूद नहीं है. हाँ और इस एक्सिस पे तुम लोगे पोटेंशियल एनर्जी. समझ में आ गया? हाँ अब जब उनके बीच में एंगल 0 था, तो हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी था. तो सर ये ऐसा क्या एक्सपोनेंशियल होएगा डिक्रीजिंग पैराबोला. तो यहां से ऐसे आएगा ना. हाँ सर. और एक अच्छा बढ़ भी जाएगा क्या? एक सेकेंड रुको, हाँ, मेरे क्योंकि को देखो ना, सोचने दो देखो थोड़ा. एक सेकेंड बताता हूँ मैं. देखो यहाँ पे जब नहीं सर. एंगल हाँ जीरो समझा. डिग्री था नहीं, मैं समझा. जब 0 रहेगा और बाद में इंक्रीज भी तो हो जाएगा, तो बाद में वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाद में वो क्या बोलते हैं 360 नहीं, वो 180 तक जाएगा. और बाद में उसको टर्न कर देंगे तो नेगेटिव में ले लेंगे, उसकी वजह से डिक्रीज होएगा. हाँ. तो ये देखो ये कैसे आ जाएगा, ये ऊपर 0 डिग्री नीचे है. ऊपर नीचे ऊपर नीचे. उसके बाद सुनो, इधर 60 डिग्री है, फिर 120 डिग्री आएगा, और 180. फिर 180 डिग्री आएगा, फिर 240 आएगा ऐसे. हाँ तो मतलब ये आएगा पहले ऐसे, फिर ऐसे बढ़ जाएगा. हाँ देखो ना, 0 पे ज़्यादा था, हाँ 60 पे कम हो गया. हाँ 120 पे ज्यादा. 60
पास में राइट ना, सब पास वापस ऐसे वापस आते ही हाँ जाएगा ना, फिर ये हाँ ऐसे रहेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा ना, हाँ हाँ क्योंकि 240 के बाद फिर क्या आएगा, 320 आएगा, सर 300 ना थ्री सिक्सटी हंड्रेड आएगा, हाँ 300 के बाद क्या आ जाएगा, 360, मतलब वापस एंड उधर ही आ हाँ मतलब जाएगा। 360 एंड 0 का सेम होना चाहिए पोजीशन। हाँ तो जीरो और उसका क्या होगा, एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, हाँ ठीक है मतलब ना, जो जिनका 180 का डिफरेंस है वो ज्यादा वो सेम रहेंगे। बराबर। अब इसको बोलते हैं बेटा मिनिमा, ये नीचे वाले को बोलते हैं नीचे वाले को मिनिमा, मिनिमम मतलब और ऊपर मिनिमम हाँ और मिनिमम ऊपर एनर्जी, वाले को मैक्सिमम बोलते हैं हाँ मैक्सिमम मैक्सिमा। बोलते हैं, ठीक है। ये किसका फॉर्म है, एक्लिप्स, ठीक है, हाँ आया ना। अब हाँ देखो इसको क्या बोलेंगे अपन, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड और बीच अब वाले जरा ध्यान से स्क्यू है। सुनो, अब जरा ध्यान से सुनना, ये डायग्राम थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेटिक है, कैसे पता है, जरा देखो इधर, ऐसा भी डायग्राम बना सकते हैं अगर लोग ऐसे शुरुआत करें तो। देखो जरा ध्यान से, ध्यान हाँ से देखना, इधर बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वो एक बुक में पढ़ते हैं ना तो उनको डायग्राम ऐसा दिखता है और दूसरी बुक में सेम लिखा होता है, लेकिन डायग्राम है ना ऐसा स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो तुमको रेड कलर से दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ, हाँ वो लोग उल्टा ऐसा मतलब देखते हैं, उल्टा हाँ ऐसे क्यू, वो जरा देखो यहाँ पे, वो ये जीरो काइनेटिक पे, एनर्जी जीरो वाला। पे नहीं, जीरो पे अपन ने क्या लिया था, जरा देखो अपन ने 0 डिग्री पे क्या लिया था, स्टैगर्ड से स्टार्ट किया था ना स्टैगर से स्टार्ट किया था हाँ बरा, तो स्टैगर्ड का एनर्जी नीचे होगा ना बेटा, तो अपना डायग्राम कौन सा होगा, रेड वाला, बोलो समझा, तो जो ऑरेंज येलो वाला, वाले ऑरेंज वाला, उसको फॉलो नहीं करना है। हाँ। तो जिसने, जो इससे स्टार्ट करेगा ना, जो इससे हाँ स्टार्ट करेगा ना, ऐसे ऐसे हाँ स्टार्ट किया जिसने, हाँ वो येलो वाला फॉलो करेगा, ओके समझ में आया, ओके हाँ क्योंकि वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए यही जीरो हो गया सर ना। हम है ना ऐसा बोल सकते कि एक है जो दोनों के बीच का एंगल है और एक दूसरा है जो हम स्टार्टिंग का एंगल और लास्ट का एंगल बोल सकते। बराबर बराबर बराबर। मतलब तो हम चेंज इन लोग यहाँ एंगल पे एंड चेंज इन एंगल एंड एक्चुअल एंगल ऐसा। बराबर, सो बेसिकली वी टॉक अबाउट चेंज इन एंगल, हाँ समझ में आया, जो हाँ डायग्राम है वो किसके ऊपर होता है, चेंज इन एंगल के ऊपर, समझ में आया, हाँ ऐसा है, ठीक है। तो जब तुम 0 डिग्री पे थे तो एनर्जी कम थी, तो हाँ तब क्या था, कौन सा फॉर्मेट लिया था तुमने, एक्लिप्स स्टैगर्ड, स्टैगर्ड, स्टैगर लिया था उसके अंदर स्टैगर हाँ। लिया था लेकिन और अगर इस अगर ऐसा डायग्राम बना दिया, ऐसा डायग्राम बना दिया कि 0 पे ही उसकी एनर्जी ज्यादा है, हाँ समझ में आया, तो इसका मतलब वो एक्लिप्स में एग्जिस्ट है, हाँ 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 समझे। तो मैं कौन सा डायग्राम बनाऊंगा पता है, जो मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से कौन सा सही रहेगा, ऑरेंज वाला या फिर येलो वाला, येलो वाला ऑरेंज वाला बेटा, क्योंकि अच्छा ठीक है अपना स्टैगर्ड से स्टार्ट किया था ना अपन ने, हाँ हमने स्टैगर से स्टार्ट किया था हाँ एक्लिप्स से स्टार्ट करोगे ना तो ऐसा आएगा, तो समझे, कोई कंफ्यूजन नहीं नहीं है रखने का। अब इसमें बहुत सारे टीचर है ना, वही लकीर के फकीर बन जाते हैं, क्या करेंगे पता है, बोलेंगे 0 डिग्री का एंगल है, क्या है, 0 डिग्री का एंगल है, तो 0 डिग्री का एंगल हुआ मतलब सिंपल सी बात है वो एक्लिप्स होगा, तो उनको बोलने की जरूरत है, बबुआ यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हम का लिखे हैं, बताओ एंगल ऑफ रोटेशन का लिखे हो, हाँ मतलब एंगल ऑफ चेंज ही हुआ रोटेशन है, चेंज ही हुआ चेंज कर रहा हूँ इतना ना, तो फिर हाँ हाँ तो ऐसा बात है, ठीक है। हाँ सर चलो अभी तुमको मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, अभी दूसरे सर आएंगे, ठीक है, हाँ सर ओके। सो नाउ टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, मैक्सिमा एंड मिनिमा, नाउ देर आर फ्यू पॉइंट्स आई विल गिव यू, यू हैव टू स्ट्रिक्टली कॉन्सेंट्रेट, अदरवाइज आई विल सेंड लॉट्स ऑफ इडली डोसा एंड सांबर, सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट। द हाँ फर्स्ट पॉइंट इज बिटवीन बिटवीन एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड, बिटवीन एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड, ऑल द फॉर्म्स आर कॉल्ड एज क्यू फॉर्म, ये तो मैंने पहले ही बताया था। अरे बोलो, हाँ या ना, तुम हाँ शांत क्यों सर बैठते हो यार, हाँ सर मैं सुन रहा हूँ मतलब मैं देख रहा था कि क्या ओके आगे देखो, तुमने ये कार्टून देखा है क्या, हाँ सर क्या बोलते हैं इनको, कॉकरोच यस, बहुत उन लोग परेशान करते हैं मेरे को, जब देखो तब सपने में आ जाते हैं,
देयर कैन बी डिफरेंट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. मैक्सिमा एंड मिनिमा. मिनिमा इट डिपेंड्स ना हाउ यू आर स्टार्टिंग एंड हाउ यू आर एंडिंग. सर या फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा का वो लिमिट वो भी डिसाइड करता है ना कि वो बल्की ग्रुप है कि नहीं. हाँ दैट विल बी डिफरेंट, मतलब अलग अलग केस में अलग अलग आएगा. समझ में आया? अभी किसी किसी केस में तो है ना, अगर बल्कि ग्रुप रहेगा तो पता चला 60 पे आया तो बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा, 120 पे आएगा तो कम होगा, और 180 पे तो एकदम कम हो जाएगा. सर ऐसा तो उसमें हो तो सकता अलग है कि है ना वो एक एक ऐसा इतना ज्यादा बड़ा एक ऐसा आ जाए एरिया. ना. हाँ हाँ सर ऐसा, और हाँ आएगा आएगा बाद आएगा में जो आएगा. रिपल्शन होगा कुछ ज्यादा ही हाई हो गया है एकदम खतरनाक वाला, तो है ना वो भी उसको रोटेट करने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहा है, उधर ही अटक गया वो. हाँ हाँ ये आएगा. अभी तुमको एग्जाम में क्या पूछेगा पता है, कि इथेन में कौन सा फॉर्म स्टेबल होता है, बस खत्म. अच्छा तो स्टैगर्ड लिख देने का. हाँ यार ये ऐसा ऐसा ग्राफ दे देगा, अगर भी डिफिकल्ट पेपर बनाना होगा तो ऐसा ग्राफ. अच्छा हाँ लेकिन सर क्या है लेकिन बताया है ना ना मैंने तुमको, अभी ग्राफ ऐसा पढ़ने में ऐसा मजा आता है, लेकिन समझ में एक आ बात जाते बताओ, हैं. लेकिन लेकिन तुमको बताया ना, पिछले 2-3 साल से मैं पैटर्न देख रहा हूँ, ये हाँ लोग पेपर बहुत इजी बनाते हैं, मतलब उसका लेवल बहुत डाउन है पेपर का. अच्छा अरे इसीलिए देखो ना 720 आया, हाँ हाँ वरना सर. लेकिन कैसा है बताया, वो सेवन हाँ ट्वेंटी आने वाले को तो फायदा है, लेकिन उसके पीछे है ना बच्चे को डिप्रेशन ज्यादा आएगा. कैसे बताओ, बोलेगा अरे मेरे को तो 680 आया फिर भी मेरे को एम्स नहीं मिला. उसको क्या हाँ पता हो कितने लोगों के पीछे था. हाँ हाँ सिर्फ हाँ मार्क्स ज्यादा देख के, अब ऐसे बोल दिया 98% है तो पता चला 100 लोग ने एग्जाम दिया तो उसमें से 90 लोग को 98% है, तो क्या हाँ फायदा है. हाँ तो ऐसे कंपटीशन तो फिर मतलब लेवल गिरा देते हैं लोग. हाँ जो नहीं करना चाहिए. एक तरह से कुछ बच्चों के लिए सही भी है और कुछ बच्चों के लिए गलत भी है. अब जो पेपर डिजाइन करते हैं उनके कहने का मतलब ये है, जैसे अभी मैं तुमको ये सब पढ़ा रहा हूँ तो यू आर लाइक स्पेशल चाइल्ड, यू आर लर्निंग 1-to-1, यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग, बट द चाइल्ड हु आर लाइक पुअर हाउ कैन दे स्टडी. हाँ. सो फॉर देम दे आर लाइक यू नो मेकिंग क्वेश्चन पेपर पेपर फ्रॉम एनसीईआरटी, बट उनको ये भी सोचना चाहिए कि देयर इज अ लेवल ऑफ डिप्रेशन ऑल्सो, बिकॉज इफ देयर आर स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग रियली गुड मार्क्स. अब जो लोग का अभी इस बार बताऊं, जिस जिन लोग का इस बार 580-600 आया होगा ना, उनको भी शायद है ना मुंबई नहीं मिलेगा. हाँ हो सकता है. क्यों बताया, कट ऑफ बहुत इतना लोगों को हाई आया, गया. बहुत लोगों को आया था. हाँ 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 बहुत लोगों को अच्छा मार्क्स आया है, और मैं तो बताऊँ इस बार जो गोबर थे ना वो भी निकल जाएंगे, नहीं तो गए फिर. हाँ देखो बिटवीन एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड ऑल द सर ये फॉर्म्स आर कॉल्ड. जो जो एनसीईआरटी का बुक है वो सर लेकिन हाँ ऑफिशियली थोड़ी ना बोला कि ये नीट का ही बुक है सर, बस उससे नहीं लेकिन इन पूछते हैं लोग ना. एनटीए है ना, एनटीए उसका पेपर पैटर्न पिछले 3 साल से देख के ऐसा लग रहा है कि वो है ना उसी बुक को फॉलो कर रहा है. अच्छा मतलब 45 क्वेश्चन में से 35 पहले कैसा था, मतलब पहले 25 तक देता था उससे, 25-30 मैक्स टू मैक्स, अब हाँ तो 35-40 पे आ गया है. हाँ हाँ और लास्ट ईयर बायो का तो पूरा क्वेश्चन ही दे दिया, पूरा पूरा, हाँ हाँ एक भी इधर उधर नहीं किया. बोलो ना कुछ तो बैड लगता है यार, नहीं तो यार श्रेया को मतलब बोलते हैं ना मॉम डैड कैसे कुछ करना नहीं पड़ता, आराम से निकाल लेती वो हाँ आराम. और फिर भी मतलब कैसे बताया, एक चांस लेना चाहिए था लाइक रिपीट के लिए. क्यों एलिस बोलता है ना एक साल ऐसे करके कुछ वो नहीं होता, बट शायद मौका है तो यूज करना चाहिए. और सर अभी एनीवेज ये सबका भी अपना अपना अनसर्टेनिटी भी पर्सपेक्टिव था होता ना है. कि हाँ वही बोल रहा हूँ, सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है, तो वो भी सही है, क्योंकि अगर शायद इतना नहीं स्कोर हो रहा है तो पता चला सेकेंड बार में नहीं हुआ तो और लोडेड आ गया. हाँ. तो बिटवीन एक्लिप्स एंड स्टेगर्ड ऑल द फॉर्म्स आर कॉल्ड स्क्यू फॉर्म, स्क्यू हाँ देयर कैन बी डिफरेंट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम. मिनिमा. अब जरा देखो ये जो पॉइंट लिखता हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके एट हायर लेवल, एट हाँ हायर लेवल कॉन्फॉर्मर्स एंड कॉन्फॉर्मेशंस, ध्यान से सुनना, कॉन्फॉर्मर्स एंड कॉन्फॉर्मेशंस इवेंट डिफर, इवेंट डिफर दैट इज दोज फॉर्म विच लाई एट
मिनिमा आर कॉल्ड कॉन्फर्मर्स, आर कॉल्ड कॉन्फर्मर्स. समझा ही नहीं मैं. एंड हाँ समझा नहीं सर मुझे. समझा नहीं नहीं मतलब सर, जब तुम हायर कॉन्फर्मर्स तो स्टैंडर्ड. ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं. अगर मैंने हाँ बोला सुनो तो ऐसे पहले आप ऐसे बोल. सुनो सुनो सुनो. हाँ 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 अच्छा पहले स्टेटमेंट लिख लेता हूँ फिर एक्सप्लेन हाँ कर सर देता वो एक बार. हूँ. एट हायर लेवल कॉन्फर्मर्स एंड कॉन्फर्मेशन इवन डिफर दैट इज दोज फॉर्म विच लाई एट मिनिमा आर कॉल्ड कॉन्फर्मर्स. हाँ ठीक है. एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स आर कॉल्ड कॉन्फर्मेशंस. बट यहां पे इंपॉर्टेंट चीज, बट एट आर लेवल बोथ वर्ड्स आर आइडेंटिकल. हाँ सर मेरे को वही लग रहा था कि ये अलग अलग है क्या, मेरे को समझ ही नहीं. हाँ तुम्हारे लेवल पे. हाँ इसीलिए तो लिखा है ना एट आर लेवल हाँ द एनर्जी एनालिसिस इज मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है. समझ में आया क्या? हाँ सर. इसमें जो एनर्जी एनालिसिस है ना ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है. अब सुनो ये देखो इस चित्र को देखो, इस पे ये जो मिनिमा पे आ रहा है ना ये, हाँ इसको कॉन्फर्मर्स बोलते हैं. ओके. समझ में आया? उसके अलावा यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे इसको भी, कॉन्फर्मेशन इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको कॉन्फर्मेशंस बोलते हैं. ओके. हाँ समझ में आया? तो जो मिनिमम एनर्जी वाले होते हैं कॉन्फर्मेशंस में उनको कॉन्फर्मर बोलते हैं. वो मेन समझ? रहते हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है सर. वो ज्यादा परसेंट में रहते हैं. अगर एक सैंपल लोगे और उसमें ओके ठीक पूछोगे कि ये कौन से कॉन्फर्मर में रहेगा तो ये वाला फॉर्म है समझा. ज्यादा होगा. हाँ सर. मगज में आए क्या? समझ में आए क्या? हाँ सर. क्लियर? जैसे हाँ वो स्कूल में पढ़ते थे ना, ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर सर नॉट नॉट ओर. ओर्स. हाँ वो है, हिस्सा भी है, बहुत हाँ सर. डिटेल में है. ऑल बेसिस आर अल्कलीज, बट और ऑल अल्कलीज आर नॉट बेसिस, या फिर उल्टा बोला मैं, अभी मेरे को याद नहीं. ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर बेसिस नॉट आर नॉट अल्कलीज. अल्कलीज. हाँ, सॉरी. अभी बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं तो उनको मैं बोलता हूँ अल्फाबेटिकली ये पहले आता है ना, तो ऐसे याद रखने का. ऑल अल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली. अल्कली. ऑल एज आर बीज बट नॉट बीज आर. अरे सर बीज से याद है, आपको पता है. अच्छा आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बोलता हूँ सर. अपने ना घर के बाहर है ना मधुमक्खी का छत्ता बन रहा है, मतलब अरे बाप रे, बड़ा वाला है. जस्ट स्टार्ट हुआ. मेरे अच्छा को है ना सर हनी मिर्च बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मेरे को है ना एक लेकिन ही जगह पे हनी बहुत चार सही बार डंक मिलेगा मारा है तुमको सर हनी. कभी. अरे अरे सर वो ऐसा हमें ना सबसे पहले काटा था जब हमें ना कोई क्या बोलते हैं मंदिर गए थे, आउट ऑफ मतलब महाराष्ट्र के बाहर ही था. तो ना सर वो उधर है ना चप्पल निकाल रहे थे और कोने में ना बहुत सारे ऐसा मधुमक्खी सर मरे पड़े थे. मरे हुए नहीं थे, बस एकदम मरे हुए जैसे थे. हाँ नशे में थे, नशे में थे. तो सर एक बार मैं गलती से एक के ऊपर पैर डाल दिया, तो सर एक ऐसा डंक का खतरनाक वाला ना, और वो है ना वो मेरे पैर पे अटक गया बाद में. बाद में उसको निकाला, इतना दुख लेकिन आता वो ना. लॉन्ग टर्म नहीं रहता है, लॉन्ग टर्म नहीं रहता हाँ हाँ लेकिन वो नीडल तो अंदर ही है अभी, मतलब नीडल तो बाहर नहीं निकलेगा अभी. सर बाद में क्या हुआ कि है ना मैं दूसरी बार है ना ऐसा इधर ही था मैं, ऐसा बाहर गया, गेट के बाहर गया, मतलब घर के गेट के बाहर गया, और बाद में चल रहा था, नीचे मधुमक्खी थी, मैं देखा रही उसके ऊपर पैर रख दिया ना, उसने ना वही एरिया के आसपास किधर मेरे को डंक मारा. और ऐसे 2 बार हुआ था, तो 4 बार मेरे हाँ को ना. मेरे को तो वो जो उसका बड़ा वर्जन रहता है वो पीला वाला रहता है. अरे उसने काटा तो बाप रे, वो जगह स्वेल बड़ा हो गया था. पीला वाला सर बॉस, लेकिन नहीं हॉर्नेट, हाँ, राइट राइट राइट, वैसा कुछ. हाँ हॉर्नेट या फिर बॉस होएगा. बहुत बड़ा था और उसने तो ऐसा लग रहा था पूरा सूज गया था वो पार्ट. हाँ सर बहुत खतरनाक होता है.
इंसेक्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ना सर वो अपने नेचर या फिर इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। हाँ पॉलिनेशन करते हैं भाई। अरे सर देखो यहाँ पे इंसेक्ट से मेरे को याद आया, स्पाइडर्स इंसेक्ट ही होते, वो मैं बोल देता हूँ, मेरे को इतना पता है। लेकिन है ना सर मैं ना रिसेंटली एक यूट्यूब चैनल है थॉट एम्पोरियम करके, उसके अंदर है ना वो आदमी ने ना सर ऐसा क्या बोलते थे कि है ना हम स्पाइडर का सिल्क नहीं स्पाइडर वेब नहीं बना सकते ना, ऐसा बहुत चलता था। उसने बना दिया, उसने ना जीन एडिटिंग कर करके सब बना दिया, और उसने एक यीस्ट बनाया जो है ना स्पाइडर सिल्क प्रोड्यूस करता है। अरे बाप रे, सर इतना खतरनाक था ना, मतलब मेरे को है ना बहुत कम समझा। अरे तुमको लेकिन पता चला कि नहीं, रिसेंट वाला जो नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स हाँ वाला तो ब्लैक होल में मिला, पता है हाँ और हाँ सर देखा, मैं पढ़ा कि वो ब्लैक होल उसने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। हाँ, और ये जो केमिस्ट्री वाले ने मिला इन लोग को जीन कोडिंग में मिला, जीन थेरेपी। अरे ये तो गलत है, मतलब यार जीन कोडिंग अगर बहुत हाईफाई हो जाएगा तो फिर जिन लोग बहुत रिच हैं उन लोग अपने बच्चों का कोडिंग अच्छे से करवा के साले जीनियस पैदा करवाएंगे, हाँ वही वही हाँ बेचारे गरीब लोग तो मर जाएंगे। हाँ और ये सब बहुत पहले से चल रहा है, चाइना वाइना में बहुत चलता है, लेकिन चाइना हाँ कैसा बता बताता नहीं है किसी को। हाँ वो तो यूएस में थोड़ा बहुत आ जाता है क्योंकि वहाँ की मीडिया बहुत स्ट्रांग है। हाँ देखो यहाँ पे, द एनर्जी सर मैं रिक्वायर्ड टू ना कन्वर्ट आपको, मैं टारगेट, आपको वीडियो भेजता हूँ, क्या बोलते हैं स्पाइडर सिल्क वाले को। ओके ठीक है, इधर देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट स्टैगर्ड फॉर्म इनटू एक्लिप्स्ड फॉर्म। हाँ ये वो अपने इसमें मिलता है एटमॉस्फेयर इस कॉल्ड एज टॉर्शनल एनर्जी। में, 20 वो 5 किलो कैलोरी पर मोल। विच इज ऑल्सो नोन एज टॉर्शनल स्ट्रेन। अभी तुम सोचो, ये जितना मैंने तुमको अभी तक पढ़ाया ना, ये हम लोग 2 से 2.5 महीने में खत्म कर देते थे। तो किस स्पीड में पढ़ाते थे, रोज 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर रहता था हाँ ये सब, मतलब फाउंडेशन अगर बच्चे का हो गया तो समझो ना वो पूरा सीख गया। हाँ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट स्टैगर्ड फॉर्म इनटू एक्लिप्स्ड फॉर्म इज कॉल्ड टॉर्शनल एनर्जी, विच इज ऑल्सो नोन एज टॉर्शनल टॉर्शनल स्ट्रेन। स्ट्रेन। हाँ ओके, इन इथेन द टॉर्शनल एनर्जी इज, द टॉर्शनल एनर्जी इज 3 किलो कैल पर मोल। सर आपने जो 5 बोला था वो क्या था, वो सब मतलब किसके लिए था वो? इन जनरल उतना लगता है, ओके ओके ये तो मॉलिक्यूल बहुत छोटू सा है तो इसको बहुत कम एनर्जी लगती है, हाँ, और सराउंडिंग में कितनी अवेलेबल एनर्जी है। 25 क्या हाँ हेंस डिफरेंट फॉर्म, एग्जिस्ट एग्जिस्ट क्या एग्जिस्ट आर आर पॉसिबल। पॉसिबल। हाँ ठीक है चलो, अब तुमने मोल सीखा है तो अब मोल का क्वेश्चन आएगा। देखो इधर, चलो बताओ, फॉर अ गिवन सैंपल ऑफ इथेन, हाँ अपना दिमाग लगाना, क्वेश्चन है ये, फॉर अ गिवन सैंपल ऑफ इथेन इथेन, इफ यू विल नॉट गिव द आंसर आई'ल थ्रो लॉट्स ऑफ इडली डोसा सांबर ऑन योर फेस, सो प्लीज आंसर। सर फॉर अ गिवन सैंपल ऑफ इथेन, मोल हाँ फ्रैक्शन ऑफ स्टैगर्ड, मोल फ्रैक्शन ऑफ स्टैगर्ड विल बी इक्वल टू हाउ मच। नहीं ये नहीं पता सर मेरे को। मोल फ्रैक्शन यू हैव इट स्टडीड, सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वो सब पढ़ा है कि वो N1 upon N1 plus N2 और बाद में N2 upon N1 plus N2 वो। मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1 एंड द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1 हाँ लेकिन इफ सर इट इज अ मिक्सचर।
हाँ लेकिन सर इसके अंदर सिर्फ इथेन दिया, तो सर इथेन का कैसे करूँ? अरे इथेन में स्टैगर्ड होता है, एक्लिप्स होता है, स्क्यू होता है, तो स्टैगर्ड का कितना होगा मोल फ्रैक्शन? नहीं इट सर विल मेरे बी को, मेरे को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। समझ में आया? क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा मोल समझा फ्रैक्शन समझा, ऑफ नहीं, एक्लिप्स एंड अभी मोल मैं फ्रैक्शन समझा। ऑफ स्क्यू विल बी इक्वल टू 0, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हाँ टू 0। हाँ समझ में समझा आया? सर, समझा सर। हाँ, वेयर एक्स स्टैंड्स फॉर मोल सर मेरे को क्या लग रहा था फ्रैक्शन। कि अगर सिर्फ इथेन इथेन का दिया तो सर सब इथेन ही है, तो ऐसा मेरे को समझ नहीं रहा था अच्छे से। समझा? सर ओके, तो तुमने मोल कॉन्सेप्ट में एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मोलैरिटी। हाँ, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मैलिटी, ये सब। मोलारिटी इज नंबर ऑफ सॉल्यूट फाउंड इन 1 लीटर, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन इन वन 1 लीटर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। अच्छा जरा बताओ मेरे को, 1 मोल एनएमएच बनाना है, ध्यान से सुनना है क्वेश्चन को। हाँ 1 मोल एनएमएच को बना, हाँ तुमको सारे अपरेटस दिए हुए हैं ठीक है। और ढेर सारा पानी भी दिया हुआ है, बहुत सारा हाँ एनएमएच भी है। हाँ तो पहले तो तुम मेरे को एनएमएच का फिजिकल स्टेट बता दो, सॉलिड लिक्विड कैसा होगा ये? लिक्विड ताक को क्या पता। आयनिक कंपाउंड है, याद रखना, जो लैब में देते हैं ना हाँ एनएमएच, वो पानी में डिसॉल्व करके देते हैं, अच्छा ठीक है। समझे? इसलिए वो लिक्विड स्टेट में होता है। हाँ चलो एनीवेज, 1 मोल एनएमएच बनाना, एक एक मोलर सॉल्यूशन बनाना है इसका, 1 मोलर। 1 मोलर सॉल्यूशन ठीक है। हाँ मोलाल नहीं है, मोलर, मोलर पता है ना, हाँ मोलाल अलग होता है, मोलालिटी। हाँ हाँ पता है पता है। चल बोलो जल्दी। तो 1 मोल लेंगे और 1 लीटर लेंगे। हाँ मतलब ये 1 लीटर पानी लिया, बराबर, ठीक हाँ है, ये 1 लीटर पानी ले लिया, तो हाँ और पानी एक दिखाना मोल एन पड़ेगा, ओ एच ले लिया, तो इसके अंदर कितना डाल दोगे? एन ओ एच 1 मोल। 1 मोल NaOH, लेकिन बताओ ये गलत है। बहुत हाँ सर क्योंकि 1 मोल सारे ले नहीं लेक्चर ऐसे ही सकते है। देखो देखो मैं बता देता हूँ, नहीं सर नहीं एक। लेते हैं ना, क्यों नहीं, पहले तो तुमको है ना पानी ठीक है कम करना होगा, अच्छा पानी कम सर करना ये होगा, सब हमें नहीं पता है सर, ये सब हमें और नहीं पता है। इतने कम पानी में है ना 1 मोल को डिजोल्व करना होगा और पानी को धीरे धीरे बढ़ाना होगा। क्यों पता है? 1 मोल NaOH को डिजोल्व करने के बाद भी है ना बेटा, जो इसके अंदर का वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम हाँ वो 1 लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इट इज 1 लीटर अलोंग विथ 1 मोल ऑफ NaOH, यू गॉट इट? अच्छा हाँ सर समझा मेरे को भी। हाँ, तो ये बहुत सारे लोग मोलारिटी सिखा देते हैं लेकिन बच्चों को यही नहीं सिखाते कि अच्छा कैसे बनाते कैसे। मेरे को ये पता ही नहीं था सर। हाँ, अब तुमने जो बोला ना 1 लीटर पानी लिया, ठीक है, हाँ और उसमें 1 मोल NaOH डाल दिया, हाँ बराबर, तो हाँ ये हो गया बेटा 1 मोलल सॉल्यूशन। कैसे बताओ? पानी की डेंसिटी फिक्स होती है 1 ग्राम पर सीसी, हाँ तो ये कितना हो गया 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हो गया। हाँ और तुम्हारा 1 मोल उसमें आ गया। आ हाँ समझ में? तो हाँ आइडियली लोग ऐसे करते हैं। आ समझ में? समझा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मोलैलिटी की जरूरत क्यों पड़ी जब मोलैरिटी है ही? तो सर ये हमें इसका कोई यूज यूज कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ पता कि ये सब होता है। अच्छा चलो इधर देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं तुमको, ये देखो, ये सॉल्यूशन है, हाँ, हाँ 1 मोलर सॉल्यूशन, कितना बेटा 1 मोलर, पता है ये कंटेनर जो होता है ना उसमें यहाँ पे मार्किंग होती है, तो यहाँ तक तुमने भरा, अपना सॉल्यूशन बना लिया, मतलब हाँ समझे, यहाँ तक पूरा सॉल्यूशन बन गया। हाँ इंक्लूडिंग 1 मोल एन ओ एच। हाँ मतलब ये 1 मोलर है, हाँ बराबर, 1 मोलर है। हाँ और ठीक मैंने क्या बोला बताया, मैंने पीयून को बोला कि मैं अभी यूएस जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हाँ हूँ? यूएस यूएस, और टाइम था किसका पता है, विंटर का, ओके। और मैंने उसको बोला कि मैं समर्स में आऊंगा आप, हाँ और इसको एकदम अच्छे से रखना तू ये सोल्यूशन को मेरे, तो हाँ उसने क्या किया पता है, पूरा सील पैक कर दिया इसको, हाँ इसको सील पैक कर दिया और रख दिया, और फिर मैं आया रिटर्न समर्स में। समझ हाँ में? तो बताओ क्या इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगा?
होना तो चाहिए लेकिन होएगा नहीं। हाँ तो 1 मोलर से ज्यादा होगा या 1 मोलर से कम होगा? कम होगा। नहीं, 1 मोलर से ज्यादा हो जाएगा। बताओ कैसे? देखो इधर, ये कैसा? जो इसमें का बहुत सारा पानी है ना, इवेपोरेट होके इधर वॉल पे बैठ जाएगा। देखो इधर, हाँ। तो सॉल्वेंट कम हो गया, सोल्यूट ज्यादा हो गया। अच्छा सर, मेरे को क्या लगा कि अंधेरे में रखा होगा फिर। नहीं, किधर भी रखे यार, समर्स है तो समझ रहे हो ना। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अरे ये मैं तुमको बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ओलंपियाड और एनटीएससी में। सर, महाफालतू क्वेश्चन है सर। हाँ फालतू क्वेश्चन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनो तो पहले। तो ये जो पानी है इधर वेपर बन के जमा हो गया, आया ना, हाँ तो अब उसको, उस सॉल्यूशन को तो हम लोग 1 मोलर कह नहीं सकते कह क्योंकि नहीं 1 लीटर सकते। नहीं है वो। हाँ लेकिन है ना, लेकिन अगर तुम 1 मोलल बनाते, कितना बनाते? 1 मोलल मतलब क्या, 1 मोल सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉलिड, वन बराबर ना? केजी तो हाँ फिर अगर वो पानी इवेपोरेट भी होता तो भी उसका मास तो उतना ही रहता ना। हाँ तो अच्छा समझ में सर, आया? मतलब वो है ना, इवेपोरेटेड भी हो या फिर ऐसा नॉन इवेपोरेटेड, तब भी वो सेम ही रहेगा। हाँ, क्योंकि मास तो सॉल्वेंट का सेम होगा ना कंटेनर के हाँ अंदर, हाँ हाँ समझ में आया? लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना इधर। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। हाँ सुनो, इंपॉर्टेंट चीज, मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसकी वजह से उसको टेम्परेचर डिपेंडेंट। अरे सर, हमें ना बस क्या एक लाइन दे दिया कि है ना, ये जो मोलारिटी रहते हैं इसके अंदर वॉल्यूम दिया है हमें। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो क्या वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इसके वजह से मोलारिटी चेंज होता है, बस इतना बोल दिया हाँ हमें। बराबर, ऐसे और ऐसे बोला होगा कि मोलालिटी मास होता है, मास तो चेंज नहीं होगा। हाँ, ये एग्जैक्टली सर ऐसे बोला है। हाँ ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हम लोग इस पे आ जाते हैं, मिलो ज्ञान, देखो ज्ञान कहीं से भी सर मिलेगा आपको बहुत पता है, अच्छा। ये ऐसा है ना, मैंने रिसेंटली ये जो SI सिस्टम था ना, उसके अंदर KG का भी ऐसे एक था। उसके अंदर है ना, KG से वेग ही ऐसा क्वांटिटी है जिसको एक फिजिकल ऑब्जेक्ट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ हाँ वो उसका वेट है हाँ, लेकिन वो अभी क्या, अभी प्लैटिनम, प्लैटिनम इरिडियम। इरिडियम का अलॉय है। हाँ, लेकिन है ना सर, क्या हुआ था कि है ना, मैंने इसका एक स्टोरी जैसे कुछ सुना था। उसके अंदर है ना, ये जो प्लैटिनम इरिडियम था ना सर, उसको है ना बहुत सारी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और बाद में थोड़े साल बाद जब ये सब वापस से आया ना, वो क्या बोलते हैं, पेरिस अवेट जिधर भी था, तो ना सब लोगों का ये सबका वेट है ना शिफ्ट हो गया था। मतलब पहले से अलग हो गया था, 50 माइक्रोग्राम या फिर ऐसा कुछ से तो अलग हो गया था। इसकी वजह से ना वो लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। और बाद में वो लोगों ने ना उसको एक कंट्रोल्ड इसके अंदर रखा, कंडीशन जो सब के। लेकिन है ना सर, जो कंट्रोल कंडीशन के अंदर था ना, वो आपस में भी हर एक 3-4 प्लैटिनम इरिडियम वाले थे ना, तो उस हर एक अलग अलग दिखा रहा था। तो सर रिसेंटली है ना, मैं एक ऐसा देखा था जिसके अंदर है ना, वो लोग क्या बोलते हैं, एक सिलिका का बॉल बनाया। एंड वो जो अभी KG को है ना, वो क्या बोलते हैं, डिफाइन करेंगे कि अमाउंट ऑफ सिलिका पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वो बॉल के अंदर कितना KG होएगा। तो अभी वो है ना फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट नहीं होएगा, वो एक थियोरी से रिप्रेजेंट होएगा। और है ना, एक्चुअल में देखो देखो, ये जो तुम बता रहे हो ना, हेलो, हाँ सर, हाँ, ये सब रिलेटिव क्वांटिटी है, रिलेटिव ही है। समझ में आया? तो तुम जैसे अभी तुम्हारा हाइट है, ठीक है, इट इज अराउंड 6'1" 6'2", ठीक है, हाँ हेलो। तो मैंने ऐसे बोला कि एक लड़का है जिसका हाइट कितना है, 3.6 है, तो ऐसे बोलूँगा उसके हाइट के तुम डबल हो, हाँ ठीक है। तो उसका हाइट कितना, 3.6 फीट हाँ है, तो तुम कितने हो, 6.2 फीट हो, हाँ समझे? सपोज मैं टाइम मशीन से पास्ट में गया और मैंने 1 फीट को 2 फीट कर दिया, समझ हाँ में? तो तो चेंज अभी हो तुम्हारी जाएगा, हाइट कितनी होगी, तुम्हारी हाइट चेंज हो कितनी होगी, जाएगा। 12.4 हो जाएगी ना। तो हाँ ये हाँ सब रिलेटिव क्वांटिटी है। अब देखो, अब वो मैंने बोला ना तुमको, ये पूरा टीचर के ऊपर है कि वो तुमको साइंस की फीलिंग दे पाता है या फिर रट्टा मरवाता हाँ हाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ऐसे समझोगे ना तो बहुत हो, जैसे वेट हो गया, फिर हाइट हो गई, ये सारी रिलेटिव क्वांटिटी, रिलेटिव इसको हम लोग है ना क्वांटिटीज है। हाँ इन रिलेशन निकालते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं हमने निकाल पाओगे बनाया तुम। है, जैसे देखे तो हमने हाँ बनाया हाँ है ये। राइट राइट राइट, और सर ये अभी है हमने ना, बनाया। ऊपर से क्या है कि ये जो फिजिक्स सर है ना, जो MJ के, वो है ना सर, वो चाहते हैं कि सब डिस्कस करें फिजिक्स का, ऐसा जो बाहर का रहता है, लेकिन है ना कर नहीं पाते क्योंकि बाकी के जो स्टूडेंट्स है ना सर, ऐसा फालतू डाउट पूछते हैं ना कि सर का मन नहीं होता ऐसा एक ये बताने का नहीं, उनको। नहीं, तो कैसा होता है, इंटरेस्ट जनरेट करोगे तब ना, मतलब उन नहीं लोग को सर, डांटना नहीं होता है। इंटरेस्ट की बात सर, वो जैसा अगर आप सुनोगे ना सर कैसा क्वेश्चन पूछेंगे, तो सर आप भी बोलोगे अरे बाप रे ये सब क्या है। होता है यार, और बहुत है सारे ना सर, और बच्चों बाद में एसएससी के है ना बेटा। रिस्पेक्ट भी नहीं है, जो सर को इतना रिस्पेक्ट भी नहीं देते। मतलब है ना सर, लेक्चर के बीच में ना
क्या बोलते हैं एकदम ऐसा कभी कभी जोर से चिल्ला के बोल देते हैं, फिर बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। ना क्लासरूम में बैठेंगे तो उनको समझ में आ हाँ जाएगा तभी तो सर वो करना ही पड़ेगा कुछ वरना। क्लासरूम क्लासरूम स्टार्ट होने का बेटा न्यूज़ आया कुछ? नहीं सर पापा क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या कंडीशन लग रहा है इस बार समय, हॉस्पिटल का क्या कंडीशन है? सर वो तो बढ़ता ही जा रहा है अभी मतलब। बढ़ता ही अरे जा रहा है ये साला, न्यूज़पेपर में मेरे को दिखाते हैं कि अभी 11,000 12,000 मिल रहे हैं। हाँ अरे नहीं सर वैसा नंबर बढ़ रहा है लेकिन उनका ग्रोथ रेट कम हो रहा अच्छा समझा, हाँ। अरे सर डेथ रेट। मैं ना आपको वो लिंक भेजा जिसके अंदर मैं पढ़ा था ना म्यूटेशन हुआ था, मैं आपको भेजना भूल गया, मैं आपको वो भी भेजता हूँ। ओके ओके चलो इधर देखो, तो स्टैगर्ड का मूल फ्रैक्शन कितना होता है? ऑलमोस्ट 1 होता है, वन होता है ठीक है। हाँ। और एक्लिप्स का कितना होता है? एक्लिप्स का टेन अप्रोक्सीमेटली टू 0। जीरो अब के देखो मूल फ्रैक्शन अप्रोक्स 1 क्यों होता है? इट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कैन नेवर बी मोर देन 1। हाँ समझ में आया ना? फ्रैक्शन क्या होता है? आउट ऑफ टोटल, तो हाँ टोटली हाँ 1 है तो फिर कैसे? वही वही परसेंट कैन नेवर बी मोर देन 100। 100 बोलो 100 ये तो समझ वन ही हो में आ गया गया ना ना? सर, 100 तो वन ही हो गया मतलब। हाँ 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 वही वही। इधर देखो और सर प्रोबेबिलिटी इक्वल, भी वही है कि हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ऐसा, मतलब ऐसा नहीं होता सुपर सुपर शॉट को प्रोबेबिलिटी मोर देन वन थोड़ी ना होता है, वैसा ही हो गया। इफ सैंपल ऑफ इथेन इज हीटेड, इफ सैंपल ऑफ इथेन इज हीटेड देन मोल फ्रैक्शन ऑफ। अच्छा इसमें पीएच वीएच पड़ा था मोल्स में? पीएच हमको ऐसा कुछ बता नहीं, हमें बस वो बोला कि हाइड्रोजन का नेगेटिव लॉग जो भी। ओके ओके। इफ सैंपल ऑफ इथेन इज हाँ सर वही हीटेड बोला और देन ज्यादा नहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्लिप्स फॉर्म बढ़ेगा या कम हो जाएगा? डिक्रीज होएगा हाँ इंक्रीज होएगा लेकिन अरे सर कैसे मतलब। एनर्जी बढ़ रहा है ना यार, नहीं, एनर्जी बढ़ मतलब रहा है सर ना। ऐसा क्या बोलते हैं ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो उसका अच्छा मोल। अरे नहीं हाँ सर मैंने कंफ्यूज कर दिया थोड़ा बहुत, मोल फ्रैक्शन देखो कैसा, स्टैगर्ड और एक्लिप्स है तो जब, मैं सुनो मोलारिटी जब का गर्म देख रहा था करोगे। सर, मोलारिटी का देख रहा था मैं हाँ। उसके लेकिन। हाँ हाँ सर समझा मेरे को, अभी समझा मेरे को। हाँ तो गर्म करोगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। हाँ अब तो सर सुनो बाद में जो ये स्टैगर्ड सब सीख रहे हो वाले ना, थे। हाँ। सब जो सीख रहे हो ना ये सब भूल जाओगे, याद रखना ये बहुत जरूरी है। हाँ सर अरे मैं आपको टाइम टेबल भी नहीं बताया मेरा सर। देखो मेरा क्या है कि मैं ना अभी 6:30 से 11 मैं ना रिवीजन करूंगा, अभी है ना हर दिन है ना दो सब्जेक्ट पकड़ूंगा ऐसा, मतलब फिजिक्स बायो बायो केमिस्ट्री केमिस्ट्री फिजिक्स। हाँ मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स बायो बायो केम, मैथ्स मैथ्स खत्म हो गया ना? मैथ्स खत्म हो गया ना उसके तो लेक्चर्स अभी लेते ही लेक्चर्स नहीं है। हाँ और बाद में सर उसके अंदर बाद में वो क्लासेस का टाइमिंग डाले, बाद में सर वो क्लासेस दो क्लासेस के बीच का एक आधा घंटा रहता है ना उसके अंदर थोड़ा टाइम पास कर लूंगा, और बाद में 2:30 को सोचो अगर सब खत्म हो जाए तो 2:30 से 4 o'clock तक ऐसा नोट्स बनाऊंगा, बाद में अगर गुड गुड 4:15 से 5:30 तक क्लास है तो 5:45 से 8:45 MCQs करूंगा मैं वो दो चैप्टर्स का, और हाँ बाद हाँ में रोज है ना, रोज हाँ रोज 6-8 से, मतलब बोलते हैं ना 6 से 9 घंटे का शेड्यूल होना चाहिए। हाँ 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 सर, और बाद में 8:45 और बाद में सर 15 मिनट का ब्रेक वापस से 9 से 12 वापस से रिवीजन करूंगा वही दो सब्जेक्ट का, और बाद में 12 से 1 टाइम पास प्ले स्टेशन खेलूंगा मैं। अच्छा उसको थोड़ा कम करो, 1 घंटा मत करो ठीक है उसको, ऐसे 2 स्लॉट में कन्वर्ट करो आधा आधा घंटा में। और क्योंकि ये ना आधे घंटे खेलने के बाद माइंड फ्रेश हो जाए तुम्हारा। अच्छा ठीक है सर। हाँ अच्छा प्रॉपर तो शेड्यूल बीच में बनाओ। डाल दूंगा किधर, बीच में डाल दूंगा आधे घंटे का और बाद में हाँ आधे घंटे लेकिन रात सुनो में ऐसा। सुनो सुनो सुनो, हाँ सर वो जब रिवीजन और ये सब करोगे ना हाँ तो वो भी जरा सही तरीके से करना, बिकॉज इफ प्रैक्टिस इज नॉट डन इन अ प्रॉपर वे इट विल नॉट बी कॉल्ड एज प्रैक्टिस। हाँ सर तो इसके वजह से देखो ना रिवीजन के बाद ही मैं एमसीक्यू सॉल्व करूंगा और एमसीक्यू के बाद वापस से रिवीजन करूंगा, तो है ना जिधर स्टार्टिंग में मेरे को एमसीक्यूज नहीं आया तो बाद में रिवीजन के बाद वो एमसीक्यू आ जाएगा। हाँ और सुनो ज्यादा दुनिया भर के बुक वुक में नहीं करना है, बताया ना हाँ सबसे पहले क्या मैं सॉल्व ज्यादा करोगे? सबसे पहले एलेन यूएसएस एलेन और एमजे का वो एमजे हाँ MJ, और फिर लास्ट में प्रीवियस ईयर। हाँ
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस, अभी ये और जो इसी को पांच पांच दस दस बार। हाँ सर, अभी है ना ये केमिस्ट्री के अंदर आप बोल रहे हो ना सर, बाकी अभी बायो के अंदर है ना सर, एमटीजी कर रहा हूँ मैं, एमजे का कर रहा हूँ, और बाद में एक दूसरा वाला मैं लेने वाला हूँ। अभी बायो के लिए तीन बुक चाहिए मेरे को, एक ए, तीसरा कोई लेने बुक वाला मत हूँ। ले, इसका इसका है ना श्रेया के पास, यही कर। हाँ अरे सर एलियन तो है, अभी है ना सर एमटीजी से भी करने बोले, क्योंकि जो मेरा भाई है ना बोला था कि एमटीजी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और बाद में वो देख मैं उससे बता तेरे करने को, का। सुन 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 हाँ सिद्धार्थ, सर, हाँ एलेन का मटेरियल है ना एमटीजी वाले लेते हैं, समझ में आया? हर साल इसका जो मटेरियल होता है ना उसको लेके ये लोग चाप। एक बात बता मेरे को तू, अगर इसका टॉपर रैंक वन आता तो उससे ये लेता ना, हाँ तो ऐसा है। तो इसका जो क्वेश्चन है तू करना ना, देखना इसका क्वेश्चन है ना वो उठा के इसमें डाला है। ठीक है समझा, तो अभी एलेन भाई ही करो। भाई वही तेरा, तेरे भाई का क्या है, उसने ये नहीं देखा होगा, ये मटेरियल नहीं देखा होगा। हाँ वो भी है। हाँ हाँ इसके लिए वो बोल रहा है, ठीक है सर, समझे? समझा समझा मैं। और मेडिकल में, तू मेडिकल में ना इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो अगर तू बेटा मेरा जे एडवांस का स्टूडेंट होता ना तो मैं तेरे को फिट जी बोलता। ठीक है, अच्छा क्यों बता, इसके क्वेश्चन बहुत कड़क होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, समझा। समझे? अभी हाँ सुनो, आगे अपन है ना कॉन्फर्मेशन इन प्रोपेन पढ़ेंगे, फिर कॉन्फर्मेशन इन ब्यूटेन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कॉन्फर्मेशन इन अल्कोहल पढ़ेंगे, समझा? ठीक है सर, अभी हाँ चलेगा ये। ठीक है सर, चले। हाँ तो अभी क्या करो पता है, मतलब मेरे को बताओ टोटल कितना क्या क्या हुआ है। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हम लोग ने साथ में खत्म किया था, पीरियडिक टेबल का नोट्स तैयार हो गया, एमसीक्यू बाकी है, और नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड का नोट्स बाकी है, उसके एमसीक्यू स्टार्ट नहीं हुए थे। हाँ। ओके, और फिर चौथा आईयूपीएसी हुआ, आईयूपीएसी का आईयूपीएससी नोट्स स्टार्ट भी कर बाकी दिया, है। आईयूपीएससी स्टार्ट कर दिया। हाँ नोट्स बाकी है ना उसका। हाँ, और तू एक इसका काम करना बेटा, मतलब कैसा है बता, तेरे को चाहिए ना तो अच्छा खासा, लेकिन तू गैप लेता है ना, कंप्लीट नहीं करता है, मैंने अरे देखा। सर, लेकिन उसके अंदर कितना कुछ रहता है सर देखो। अरे सर सिर्फ आपका बात थोड़ी करूँ ना क्या है आज, सर, आज आज तेरी मम्मी से बात करूँ क्या क्या कि आदि का बैकलॉग हो रहा है? आप मम्मा को पता है मैं बोलते रहता हूँ कि मेरा इतना सब बाकी है और मैं इतना सब अभी कर रहा हूँ। मैंने बताया ना बेटा, फालतू की चीज जो है ना, मतलब जैसे बहुत सारी चीजें यू कैन अवॉइड, मतलब जैसे अरे कि नहीं सर वैसा नहीं है, लेकिन है ना अभी क्या है कि मेरा एमजे का भी बहुत बाकी है करने का। वो कैसे बच गया बेटा स्टार्टिंग से? अरे सर वो बीच में क्या हुआ था कि है ना क्या बोलते हैं, वो नेटवर्क का इशू बहुत आ रहा था, तो है ना सर बीच बीच में ऐसा एग्जिट होके एंटर होता था, तो है ना सर वो बीच का कंटेंट है ना रह जाता था, और बाद में वो रहने के बाद है ना वीडियो में कभी खोला नहीं वापस, तो सर वो पूरा ऐसा पीछे कर ढूंढना पड़ रहा है मेरे को किधर किधर से। तो है ना मेरा है ना सर सिर्फ बायो के अंदर बाकी, और बायो का है ना सर है ना मतलब क्या बोलते हैं सुबह का एक होता है, और बाद में जो 4:15 वाला होता है उसके अंदर, तो है ना सर दो चैप्टर साथ में चल रहे हैं, तो इसकी वजह से, वरना बस वो बायो के एक मतलब, बायो के मतलब दो टीचर हैं। नहीं, टीचर एक ही है, दो चैप्टर पढ़ा रहे साथ में, एक 12th वालों के साथ पढ़ा और एक ये 11th का ही है, अच्छा, वो जूलॉजी करा रहे अभी, तो बायो के एक जूलॉजी है एक बॉटनी के लिए एक मैम है। तो ये मैं ये पूछ रहा था, ये क्लासरूम खोलने वाले या कब से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि कैसा है बताए, कुछ कुछ आइडिया नहीं है सर। जो गाला है ना हम लोग का, मतलब क्लासरूम है क्लासेस का, उसका रेंट हाँ बहुत जा रहा है, इसके लिए तो मैं सोचा था एक दिन तेरे डैड से बात कर लूँ। सर, अभी तो है ना बहुत टाइम जाएगा सर, मेरे हिसाब से अभी मंथ क्या है, एक सेकेंड रुको, अभी अक्टूबर, अक्टूबर है ना सर, अभी जो वैक्सीन के हिसाब से ना सर दिसंबर तक है ना यूएस के अंदर आएगा वैक्सीन दिसंबर तक, और इंडिया में पहुंचने के लिए ना सर जैन फेब अप्रैल तक जाएगा, वैक्सीन किसने मार्च। बनाया? सर इंडिया के अंदर बन रहा है, इंडिया के अंदर भी बन रहा है, लेकिन ना सर जो यूएस के अंदर है ना वो ज्यादा जल्दी बनने का चांसेस है। यूएस का, यूएस पहला बना रहा है? नहीं सर हर एक साथ में बना रहे, इंडिया भी बना ही रहा है सर, मैंने रिसेंटली देखा था कि इंडिया का है ना बहुत अच्छा खासा चल रहा है प्रोग्रेस वैक्सीन का, लेकिन जो पहले बनेगा ना सर वो यूएस के अंदर ही बनेगा, और बाद में डिस्ट्रीब्यूट है ना बाकी वर्ल्ड को होगा। ओके ओके ठीक है। मैं चाहता हूँ ना बेटा, मतलब कैसा है बताए, तेरा वैसा ना हो जाए मल्टीपल सोर्सेज, और फिर वो कोलैप हाँ नहीं होना चाहिए, तो हाँ बेटर लाइक यू नो, मैं तो चाहता हूँ ना कि लाइक यूएसएस भी कमती हो जाएगा तो एक बार चलेगा, हाँ यूएसएस नहीं करेगा तो भी चलेगा, लेकिन एलिन और ये एमजे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तीनों में, मैं तीनों में बोल रहा हूँ, मतलब हाँ किस में
फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, और मैथ्स में भी, सब में बोल रहा हूँ, सॉरी बायो में, बायो में, बायो। और तेरे को ना लीस्ट टाइम किस में देना पता है? बायो में। उसके ना क्या करने का पता है? एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ने का, समझ में? और उसके बाद है ना उसके एमसीक्यू सॉल्व करने का, एनसीईआरटी का चैप्टर, फिर जो चैप्टर हो गया ना मतलब सब समझ में आ रहा है उसको लिख देने का कम्प्लीट। क्योंकि बायो को बेटा कम टाइम देना है, सबसे ज्यादा टाइम फिजिक्स को देना है, और सबसे ज्यादा टाइम तेरा रिविजन में लेगा केमिस्ट्री, बहुत लेंदी है केमिस्ट्री। समझा? हाँ तो ऐसे कर लो। ठीक है सर। हाँ चलो बाय बाय सर, थैंक यू सर।